अरे फिर से टूट गया। क्या हुआ, फिर टूट गई? रुकिए, मैं उठा। लेट हो जाएंगे। नमस्ते मास्टर जी। हाँ ठीक है ठीक है, जा जा। इसको बदल देना चाहिए ना मास्टर जी। क्या बदलनी है, हर महीने बस चप्पल ही खरीदनी है क्या? जाने दो इसे। नया है वो भी ये? हाँ। 8 महीने पहले लिया था आपने। इस चूल्हे की आग में जल रही हूँ मैं, ये लोग गैस खरीद कर क्यों नहीं देते? बिग बॉय, ए बुढ़िया, ए बुढ़ी होगी तेरी माँ। मेरी माँ तो बुढ़िया है लेकिन अब उससे भी ज्यादा बुढ़ी हो। था ना एक छोटा सा कीड़ा तेरे जैसा। बाग 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 बाग। ए मस्ती खोर, अगर मेरे साथ ज्यादा जबान लड़ाएगा ना तो तेरी जबान काट के चूल्हे में डाल दूंगी। हाँ शरारत करने आ जाते हैं ये बच्चे। अच्छा रेडी हो गई ना? कहा मास्टर जी, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे संभाल के संभाल के। हाँ। नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ। इस 23, 24, 25। अरे ये क्या चल रहा है, जाओ तुम लोग जाओ। 28। मास्टर मास्टर आज क्या है? आज जनवरी का सोमवार है, 9 तारीख है। अरे मैं आपसे नहीं हेडमास्टर से पूछ रही हूँ। हेडमास्टर आज कितने चावल बनाने हैं? आज कोई छुट्टी पर है क्या? मास्टर लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सुविधा बच्चों के लिए है ना, तो कितने हैं गिन लो, बात खत्म। हो गया। क्या हो गया? अभी तो चावल डालने जा रहे हैं। आपसे नहीं कह रहा हूँ मास्टर जी, ये हो गया, लीजिए पहन लीजिए। तुम लोगों के साथ ना बहुत मुश्किल है। वैसे आपने बताया नहीं कितने चावल बनाओ। जितना बनाना है बनाओ, लेकिन ध्यान रहे खाना वेस्ट ना जाए, अच्छा खाना बनाना। अब जाओ जाओ सब क्लास में जाओ 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 जाओ। हाँ। अरे ये कैसा हिसाब बताया, क्लास में जाओ। सुनिए मास्टर जी। हाँ। मास्टर बिल तैयार है, डीओ ऑफिस तक जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। अच्छा होता है क्लास होता तो। मास्टर आप भी ना बड़ी मजाकिया किस्म की है। अरे मैंने पहले बताया था ना, वो सब लोग गांव चले गए हैं, मजाक करते रहते हैं। मास्टर सुनो, आप लोग आराम से बात कर सको इसीलिए हमने स्टाफ रूम बनवाया, जा सकते हो, समझ गए? तक बेल नहीं बजी ना मास्टर जी। बेल बजने तक काफी नहीं होगा क्या टीचर? ए चुप कर, इज्जत से बात करो, पढ़ाई पर ध्यान दे, समझे? हाँ जाओ 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 जाओ। तुम जैसा बोल रहा है वैसे घंटियां भी नहीं बजी। ज्यादा बात मत करो, बाला को कुछ देर पहले अभी यही देखा था। इसकी तो मैं ये देखो जा रहा है। हेलो 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 हेलो, और क्या है? ये कब निकल जाएगा, कुछ समझ नहीं आता है। भाई समय क्या हुआ है? बेटा समय बहुत अच्छा है, जो सोचा है वो काम सिद्ध होगा। चलो वहाँ बैठकर बात करते हैं, चलो आओ। अरे भाई मैंने तुमसे समय अच्छे और बुरे दोनों समय के बारे में बताऊंगा, चलो वहाँ बैठकर बात करते हैं। अरे मेरी बात सुनो, अच्छा बकरा मिला था मुझे। अरे संभाल कर, ध्यान से चलाते नहीं है ये लोग गाड़ी, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। पंडित जी एक लॉटरी खरीद लो, पक्का लगेगी। अभी मैं मरते मरते बचा हूँ। आपकी किस्मत अच्छी है वरना एक्सीडेंट हो जाता। खरीद लोगों का भविष्य मैं बताता हूँ और ये मुझे फंसाएगी। देखो यहाँ बैठकर दुखी होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल की बात की तो इसमें हिस्सा लेने के लिए लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर भी अजीब आंदोलन था वो, स्कूल में आकर नेतागिरी की बात करने पर हो गया था। फिर भी हम लोग अध्यापक हैं ना टीचर, वो सब काम हमें नहीं करने चाहिए। हाँ। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, स्कूल में आकर अगर नेतागिरी करेंगे तो ये कितनी बुरी बात है, हमारे स्टैंडर्ड के यहाँ कितने लोग हैं। क्या चल रहा है यहाँ, मच्छी मार्केट है क्या? क्लास शुरू नहीं करनी? 10 बज गए हैं, कोई जाकर चुपचाप से घंटी बजा दो। घंटी बजाओ तो कसूरवार, नहीं बजाओ तो कसूरवार। क्या बात है टीचर, वही तो। क्या 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 कहूँ मास्टर जी, हम जो काम करते हैं उसका भी सही से तनख्वाह नहीं मिलती है, अब हमें प्यून का भी काम करना होगा क्या? तो काम मत करो ना, जब देखो तनख्वाह तनख्वाह तनख्वाह, तुम लोगों को काम ही नहीं करना है। अगर तनख्वाह घर पहुँचाए तो भी ऐसे करोगे, तुम लोग वक्त पे स्कूल के परिसर में नहीं आओगे। काम की जरा भी जिम्मेदारी नहीं है तुम लोगों को, ऐसे सबके सब गैर जिम्मेदार लोग हो तुम, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो। वहाँ क्या ट्यूशन की बात हो रही है? ये हमेशा चिड़चिड़ करते हैं, बालन सही वक्त पर आकर घंटी बजा देता है, किसी को जाने की जरूरत नहीं। कितना समय हो गया, मेरा समय खराब चल रहा है। हाँ, होता प्रिंसिपल का और काम प्यून का। अरे सब लोग क्लास रूम में जाओ जाओ जल्दी। अरे रुक मैं आ रहा हूँ। चल चल इस तरफ आ, तेरे पापा तेरी बात समझे, उसमें से पेंसिल चुराना मत।
चलो। प्यास लगी है क्या? तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाकर पानी पियो ना। ए, क्लास में जाने का वक्त हो गया। जाओ, 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 क्लासरूम में जाओ, जाओ, जाओ। ये काम तुम्हें किसने दिया? चलो, चलो। हुआ नहीं क्या? रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ काम करते कितना वक्त हो गया? मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल 4 महीने हो गए। क्या मुझे समय को भी हिसाब देना पड़ेगा क्या? सवाल करते ही बहस शुरू कर दिए। सच सच बताना, 10 साल 4 महीने 21 दिन में तुम कभी भी समय पर आए हो क्या? बताओ। मास्टर जी, मैं जल्दी नहीं आता हूँ, लेकिन देर से भी नहीं आता हूँ, ये काफी नहीं है क्या? मान गया। सर जी, आप जाइए। इसको जिसने काम पे लगाया था, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। साइलेंस। सेतु, ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो सुनता नहीं है। बात है, तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। बेटा, कॉपी में लिखने के बाद वर्कबुक निकाल कर लिखो। सुन लिया ना, ओरल की पढ़ाई हो गई क्या? जब तक होमवर्क पूरा नहीं करोगे, आज सोने नहीं दूंगी। सेतु, बच्ची सोने ना पाए, ध्यान दो। आ आ, ये क्या बात हुई? किताब को देखते ही बच्चों को नींद क्यों आने लगती है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा तो होगा ही, बाप के लाडले बच्चे हैं। बाप घूमेंगे, बच्चे सोएंगे। अरे उठ जाओ, एक सप्ताह से तुम्हारे पिताजी ऐसे घूम रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी निकल जाना और आधी रात को लौटना, मौज करके आने दो। यहाँ बच्चों के साथ अकेली हूँ, उनको इस बात की फिक्र नहीं। आपने जिस नंबर पर संपर्क किया, जरूरत पर कब काम आए हैं? जो आज लगाऊंगी तो लग जाएगा। ये अच्छी बात है इनकी। बताती हूँ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आप इस वक्त यहाँ कैसे? मैं यहाँ आने के बजाय पड़ोसी के यहाँ सो सकता हूँ। हर बात का हाजिर जवाब है। अरे ये क्या बोल रही हो सुमी? मैं जब यहाँ आया था तब देखा तुम सो रही हो, इसीलिए तुमको जगाया नहीं था। बहुत खुशी हुई, काफी समय बीत गया ऐसे आधी रात को आकर डिस्टर्ब किए हुए। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, इस गलतफहमी में मत रहना। तुम्हारी समझ में क्या गया? मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे टॉवल ला कर दो। ऐसे घूर क्या रही है ये? अरे जवान लड़की, तेरा इरादा क्या है? बस करो। बच्चों ने खाना खाया? सुमी, तुम ऐसा क्यों करती हो? माना के आने में थोड़ा देर हो गई। ओहो, लगता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। हाँ, वाह, सांभर एकदम कमाल का है। वो सांभर नहीं, रसम है। हाँ, रसम भी अच्छी है, सांभर के जैसी एकदम। अरे क्या हो गया? मुझसे नाराज होकर भूखे रहने का क्या फायदा? शायद वो खा चुकी होगी, दो निवाले खाने से पेट कैसे भरेगा। भर भईपन घट में मेरा नट घट। अरे ये कैसे सो रही है? बेटा जरा सा पैर उधर कर लो। अब इसको कैसे हटाऊं? अब अभी क्या हो गया? क्या बात है सुमी, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मुझे छूना मत। बाला, आप क्या सोच के ये सब कर रहे हैं? कितने दिन हो गए ये सब शुरू करके। अरे बस करो, मुझे बोलने का मौका तो दो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन आकर देखो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मुझे देर क्यों होती है।
सिर्फ सपना देखने से कुछ हासिल नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और तुम अक्सर इस किराए के मकान का जिक्र करती रहती हो ना, क्या तुम्हें अपना खुद का मकान नहीं चाहिए? आज की तारीख में अगर अपना खुद का घर बनाना है तो हजार बार सोचना पड़ता है। अगर हम अपनी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करने आएगा? हाँ, तुम पहले ये देखो, बाद में बोलना। देखो, ये अच्छे अच्छे घर के फ्लैट हैं। मैं इसे पता करने के चक्कर में भाग दौड़ कर रहा हूँ। किस लिए बाला? मैं घर को लेकर इतना सता रही हूँ, इसलिए तुम बेवजह तकलीफ मत उठाओ। अरे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। इसमें तुम्हें कौन सा फ्लैट पसंद है ये बताओ। तीन चार प्लान है, देखो जरा। प्लान को साइड में रहने दो, आकर सो जाओ। छह बजे मतलब करेक्ट 6 बजे पावर कट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और वो भी जब जरूरत होती है, ठीक उसी समय। बर्दाश्त से बाहर है जो बिल भेजते हैं, उसमें थोड़ा भी रहम नहीं। अरे, यहाँ तो पत्थर था, वो कहाँ चला गया? सही, तू ये क्या कर रहे हो तुम? अभी मैं सिक्स पैक बना रहा हूँ। ओह, अगर ऐसी बात है तो ये बड़ा पत्थर उठाओ, सिक्स पैक नहीं फुल पैक बनाओ। इधर आओ तुम, खेलने के लिए कुछ और नहीं मिलता, सारा काम वक्त से पहले कर लेना चाहिए। बनाने दिया। माँ, ये देखो पापा। हाँ, पिताजी को देखा ही नहीं ना, जाके अपने दांत घिस के आओ। तू हट हट। अरे, दांत घिसने और नहाने के बजाय इधर ही खड़े रहो, चुपचाप जाकर नहाओ। बाला भाई, दीदी से पूछ कर देखो, मछली चाहिए क्या? हाँ, मछली तो चाहिए। कौन सी मछली है? बांगड़ा है। कैसी दे रहे हो? 350। ओह, 350 रुपए। और क्या क्या है? सुरमई और बांगड़ा दोनों है। और सूखी मछली है 50 रुपए की। और कुछ खास है क्या? इसके अलावा चाकू और लकड़ा है, वो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तुम बेकार आदमी हो। हाँ? क्या है? कुछ मछली ले लो, मछली। बाला, वो मछली वाले की आवाज थी ना? हाँ, वही था। वो चला गया? अरे, वो इतने में नहीं देगा, जाने दो। अरे, कुछ तो मैं खरीदती ही। सेतु, किंगनी, जल्दी आओ, गाड़ी आ गई है। मम्मी, मेरी पेंसिल दिखाई नहीं दे रही। अरे, पेंसिल नहीं मिल रही है तो टाइम बर्बाद मत करो, कोई चीज संभाल के नहीं रखते हो तुम दोनों। अरे, आपके कान में दे दो इन्हें। अच्छा, ये तुम दोनों का, ये लो। चलो चलो, चलिए आओ। बाला सुनो, हाँ? उस दुकान से मछली लेकर आ जाना, आज खाने में बनाऊंगी। खाना पकाने के लिए चावल भिगो दिया है। भाई साहब, दोपहर में चाय पीने की बजाय घर जाकर खाना ही क्यों नहीं खा लेते? अरे कमबख्त, थोड़ा सा खाना खाने के लिए मुझे 1-2 किलोमीटर पैदल चल के जाना तो होगा। फिर 2 किलोमीटर पका कर आते हो क्या इधर ही? अरे नहीं यार, इसलिए तो यहाँ आकर चाय पी रहे हैं। बेटा शुक्र, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो हाथी को भी उठा सकते हैं, समझे? विजय भाई, हाँ? पढ़े लिखे लोग हाथी को उठा सकते हैं, लेकिन अनपढ़ पहाड़ को भी चूर चूर कर सकते हैं, तो बताइए होशियार कौन है? तुम लोग काम धंधा करने के बजाय ऐसे ही हाथ पे हाथ रहे बैठे हो। काम पर तो तब जाएंगे ना जब कोई काम हो। ये सुबह सुबह जो लोग नहा धोवा कर काम पर चले जाते हैं ना, उनको देखकर तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो कुछ करो ना। तो फिर क्या करें हम लोग, ऐसे खाली हाथ तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ना हमारी। सोचना पड़ेगा। क्या? अरे, सोचने के लिए बहुत कुछ है। वो क्या है? बहुत कुछ। उसको बहुत पसंद आया। देखो, मैं मेहनत करके अपना खाने का इंतजाम कर लेता हूँ, मेरे ऊपर मिट्टी मत डालो ना तुम। अब तो पैसे भी बहुत कमाते हो, केवल चावल खरीदने के लिए थोड़ी। अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मेरी मछलियाँ खराब हो जाएंगी। ए अशरफ, तुम चले जाओ, ये लोग काम करने वालों को भी नकारा बना देते हैं। अरे रमेश, हाँ? तुम्हारी तरह सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह मेहनत करने वाले लोग भी जी रहे हैं, और हमारी तरह बेरोजगार भी जी रहे हैं, तो बताओ समझदार कौन है? आप ही समझदार हो। हाँ, ये लेकिन एक बात है। क्या? कल यहाँ आते समय, हाँ? तुम्हारे पीछे का जो उधार बाकी है ना, वो टीचर के हाथ से लेकर आने के बाद ही चाय पीना, ठीक है ना? यही इसकी परेशानी है, जब भी इसे अच्छी सलाह दो तो ये उधार की बात छेड़ देता है, ये आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं। वैसे भी जिसके पास दिमाग ना हो उसे समझाकर कुछ फायदा नहीं। जिसके पास दिमाग होता है ना, वो इस तरह का काम करता है क्या? आपका क्या कहना है विजय भाई? हा? मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट लोग, हा? पंडित लोग, हा?
बाबा लोग हाँ? और कितने लोग हैं, मंत्री जी, एमएलए जी और काम करने वाले कार्यकर्ता, वो लोग कभी काम पर जाते हैं क्या? वो लोग काम पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो लोग समझदारी से काम करते हैं। मैं इन महान लोगों के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, इसीलिए मैं काम पर नहीं जाता। अरे ये खत्म हो गया क्या? अरे अली भाई, अब ये कहाँ चला गया? अली भाई, अरे मैं इधर ही हूँ, कहाँ चले गए तुम? मैं इधर हूँ। पहले आप वो गाना बंद करो, तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी ना। वैसे भी आप इस गाने के अलावा दूसरा कोई गाना नहीं सुनते, जब भी देखो यही गाना सुनते हो। अरे उसको उधर बजने दो ना, उसे पैसे थोड़ी ना देने हैं। अरे रुको रुको रुको, तुम्हारी मिक्सी रिपेयर हो गई, इसे लेकर जाओ। अच्छा रुको रुको रुको, ये लो इसे भी लेकर जाओ। ये क्या है? उसी सामान में से बची हुई चीज है, इसके बिना भी वो अच्छे कंडीशन में काम कर रहा है। इसे लेकर जाओ, कोई और सामान खराब होगा उसमें डाल देंगे। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको देखने का मन हो रहा था, और क्या है? 3:30 बजे कोई खाना लाता है बोला? हाँ, और नहीं तो क्या, रजा की शादी में जाना है, मुझे तैयार होने के लिए कहकर निकले थे ना। अच्छा ऐसा है क्या, मैं तो भूल ही गया था। हमारे बच्चे की शादी में तो वो आया था ना। हाँ। आप नहीं आए तो मैं उधर चली गई। ये भी अच्छा, घी और चावल लेकर आई हूँ, खा लो। पार्सल ऐसे मांग कर लाती हो, शर्म नहीं आती? मैं मांग कर नहीं लाई हूँ, उसने खुद दे कर भेजा है। फिर वही का घी चावल। वैसे फिर से बैंक से लेटर आया क्या? ओहो, इन लोगों को इसके अलावा और क्या काम है? आप तो बस मजाक ही करते हो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए मेरे पास एक दवा है। बस कान लगा कर गाना ही सुनते रहो। हे रमेश, एक चाय पिलाओ। मैं सैयद भाई से मिल के आता हूँ। वो अरे ये बाला भाई की भी क्या कहानी है, एक चाय पीने की भी फुर्सत नहीं है, हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं, जैसे आग के बीच में एक कुत्ता फंस गया हो, किस तरफ जाना है खुद को पता नहीं। अजीब इंसान है। सच से अनजान इंसानों से भरी हुई ये दुनिया, हमारी जिंदगी रहस्य से भरा हुआ है। ये लो, ये शुरू हो गया। सुनिए, ये भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही, आप इस भाषा में मत गाना गाइए। इस चौकट पर बैठकर शहर की तरह बैठकर जो टाइम पास करते हो, उसके बाद भी मैं तुम लोगों को यहाँ से भगाता नहीं, पता है क्यों? क्योंकि कहीं और तुम्हारे पास जगह नहीं है टाइम पास करने के लिए, खुद तो निठल्ले हो ही, और जो आने वाले होते हैं वो भी तुम्हें देखकर भाग जाते हैं, पता है तुम्हें? बाढ़ में जाए तुम्हारा घाना वाना। अरे भाई आप नाराज मत होना, ये सुखी जीवन जी रहा है ना, इसी बात का घमंड है, जब इसको अकल नहीं तो हम क्या कर सकते। रमेश एक चाय पिला। सुन, तेरा पहले का 350 रुपए उधार है। अरे 350 रुपए तुम पर उधार है मेरे? वह कैसे? कल 1 किलो बांगड़ा मछली के उधार है, तो 1 किलो मछली की कीमत इतनी है क्या? अरे इतने में मिल रही है, हमारी अच्छी किस्मत है। इधर इधर सुनो, तुम्हें पता है क्या हुआ है? बांगड़ा नाम की फिल्म रिलीज हुई है, ता फिर उसके बाद बांगड़ा मछली की कीमत बढ़ गई है, अभी फिल्मी दिग्गज लोग ज्यादातर बांगड़ा मछली खा रहे हैं। अभी एक चाय पिलाओ मुझे। अपने श्रोता के लिए अगला गाना पेश करने जा रहे हैं बांगड़ा फिल्म से, जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा के रखा। अरे रेडियो में भी बांगड़ा मछली के बारे में। अरे इसको चाय पिलाओ। हां इधर को। आपके लिए पेश है ये गाना। ये मेरे लिए नहीं है क्या? अरे मैं यहाँ मुफ्त में मिक्सी बनाकर देने के लिए बैठा हूँ क्या? ऐसा मत कहो, उसके बिना बहुत परेशानी हो जाएगी। उसे पत्थर पर पीसने के लिए बोलो। आजकल की औरतें इतनी मेहनत कहाँ करती हैं सैयद भाई, लो वो दे दो। स्कूल से घर जाते समय तुम्हें आधी रात हो जाती है, इसलिए मैंने घर भिजवा दिया। ओहो, फिर ये अच्छी बात है। और सैयद भाई, हाँ मैंने बताया था ना आपको कि मंदिर के पीछे 8 सेंट जमीन खरीदा मैंने, और वहाँ पर घर बनाने की सोच रहा हूँ। आप मुझे अपनी राय बताओ, ये घर का प्लान है क्या? घर का प्लान है, 8 सेंट जमीन है और प्लान 4-5 है। किसी एक पर ही काम करना है। लेकिन ये मुझे दिखाकर क्या फायदा है, मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, उस 8 सेंट जमीन में घर बनाओ, उसके बाद मिक्सी और फैन को खराब करो, वो मैं रिपेयर करके दे दूंगा तुम्हें। इसे समझने वाला एक ही आदमी है। क्या बात है? प्रहलाद सर है क्या? सर है ना, आप बोलिए, मैं जरा टेंशन में हूं। मैं प्लान के बारे में बात करने आया था। घर है या दुकान है? घर है सर, है कि नहीं? अपने पिताजी को बुलाओ। आइए। आप जहाँ घर बनाने की सोच रहे हैं वो टाउन में है, कितने स्क्वायर फीट है बताइए बताइए। देखो मैं स्कूल में पीयून का काम करता हूँ, मुझे यहाँ से जाने के बाद बहुत काम है, तुम जाके अपने पिताजी को बुलाओ, मुझे परेशान मत करो, जाओ। देखिए आप जिस आदमी से मिलने आए हो वो मैं ही हूँ। प्रहलाद? हाँ सही कहा, ये टेंशन फ्री कंस्ट्रक्शन के मालिक प्रहलाद सर। तो आप थोड़ा फ्री रहा करिए ना सर, तभी तो हम आपको कुछ बता सकते हैं, मैंने आपको पहचाना ही है। मैंने इस तरह का एक प्लान बना के रखा। देखता हूँ। ओह
व्हाट अ वंडरफुल प्लान। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में आप पहले इंसान है जो खुद पक्का प्लान बनाकर दूसरा प्लान मांगने आए हो। क्या आपने इससे पहले भी किसी को प्लान बनाकर दिए हैं क्या? मैं बता नहीं सकता कि आपसे मिलकर कितना खुश हूँ। हाँ, ये तो मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया। आपने नाम क्या बताया? मेरा नाम बालन। बालन, आप अगर प्यून नहीं होते तो पक्का आप इंजीनियर बन सकते थे। इंजीनियरिंग में आपको दिलचस्पी है? मैं डॉक्टर बनना चाहता था। एक डॉक्टर में भी तो एक इंजीनियर छुपा हुआ है। लेकिन दोनों चीजों में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया ना। इसमें मैं थोड़ा सा वेरिएशन डालना पड़ेगा, वो मैं ठीक करता हूँ। इसमें छोटे चेंजेस है, रूफ को बदलकर कंक्रीट डलवा कर। नहीं नहीं नहीं, कावला काफी है, वो रुकेगा नहीं। वो सब मैं बना कर देता हूँ। अरे मेरे दोस्त, अच्छा कावला बनाकर मजबूत छत बनाने की सोचा है, पुराने टाइप जैसे गांव में होता है। अरे भाई, हर बार की तरह हर जगह लकड़ा काम नहीं आ सकता है। ऐसा है क्या? अगर कावले की बात है तो हम उसके ऊपर भी एक कंक्रीट डाल सकते हैं। अरे कंक्रीट डालने के बाद कावला डालोगे? कंक्रीट के लिए पैसे नहीं, इसीलिए कावला डलवा रहा हूँ। सर जैसा बोल रहे हैं हम वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तू तो बोल देगी। अरे हमारे अल्बर्ट को घर बनाए कितने साल हो गए? तो फिर उन लोगों ने कावला ही डालकर बनाया है ना, देखने में कितना सुंदर लगता है। वो देखने में तो सुंदर है, वही तो बोला इसने। जब लकड़े से बनाएंगे तो आपको बार बार काम करना पड़ेगा, अगर कंक्रीट डालकर बनाएंगे तो कभी नहीं देखना पड़ेगा। वैसे आप लोग दो बेडरूम बना रहे हैं ना, लेकिन इस प्लान के मुताबिक हम चार बना सकते हैं। तीन रूम नीचे और एक ऊपर। वैसे जैसा प्लान हमने बनाया वैसा ही है ना। लेकिन काम होना चाहिए। लेकिन होगा नहीं, ये अपने बजट में नहीं आएगा। वो सब हम कर लेंगे। आगे चलकर हमें चार बेडरूम की जरूरत पड़ेगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सुमी? तुम कुछ भी नहीं जानती हो। ये वेंटिलेशन वो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। किचन अगर यहाँ होगा तो बाथरूम यहाँ बनेगा, फिर डोर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो वो जगह खराब होगी। अभी कुछ भी बोलो, होना नुकसान ही है। मना मत करो बाला। तो फिर इधर बाथरूम वो आठवीं दिशा में रहेगा, कल जब उम्र हो जाएगी तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक बाहर और एक घर के अंदर और एक अप स्टेयर्स में। ओ, तो मतलब पूरा घर बाथरूम बनेगा। कैसा है, पसंद आया? प्लान में कोई कमी नहीं है बालाजी। ये प्लान काफी अच्छा है, हमारे लिए बहुत है। ये सब बजट में नहीं आएगा सुमी। देखिए मैं सब कुछ लो कॉस्ट में बना कर देता हूँ, ये सिर्फ 10 में बन जाएगा। 10 मतलब 10 लाख? हाँ बस 10 लाख। ये एस्टिमेट देखिए। देखो ये और बढ़ गया, 10 से 12 लाख हो गया। लेकिन 10 में काम हो जाएगा, एस्टिमेट में 12 दिखाकर बहुत जल्द बैंक से 10 लाख का लोन लेना होगा। हाँ। 10 लाख में काम करके 2 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे हम लोन का किस्त भर सकते हैं ना। कैसा लगा आइडिया? हाँ। ये हर कोई नहीं जानता है। अच्छा सुनो, हम एक काम करते हैं, हम 12 लाख का लोन लेते हैं जिसमें से 6 लाख का काम करवा के 6 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, उसका इंटरेस्ट आएगा। हाँ, भाई मैं मैक्सिमम ट्राई करके देखता हूँ। हाँ, पिछली बार 12 निकाल कर 7.5 में मैंने पूरा काम कर दिया था। ये हुई ना बात। हाँ, तो काम ऐसे ही होने दो। हाँ, सही है ना सुनी? ओके ओके, ये चाहिए। थैंक यू। वो भले कितना भी कम में काम करवाने की बात किया हो लेकिन हमें उस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। शादी और घर बनाने में ऊंच नीच होना लाजमी है, इसीलिए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही काम नहीं होता है। तुम्हारे पिताजी मदद नहीं करेंगे? मैंने जमीन खरीदी है, पिताजी को पसंद नहीं, अब अगर उनसे पैसे मांगूंगा तो कैसे देंगे? ऐसी बात पर ध्यान मत दो, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तुम काम शुरू करो, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। सब अच्छा होगा, तुम परेशान मत हो। अब एक ही रास्ता बचा है। 5 बच्चे पैदा होने के बाद लोग मुझे बदकिस्मत कहने लगे थे, लेकिन मैंने 5ों की परवरिश की, उनको पढ़ा लिखा के उनका घर भी बसा दिया। अब वही लोग मुझे मर्द बोलते हैं। 6ठा रशीद है, आखिर में लड़का पैदा हुआ तो लगा सैयद अली बच गया, लेकिन कहा उस बच्चे के भविष्य के लिए मैंने जो मेहनत किया है वो भगवान ही जानता है। जो था सब बेच दिया, अब मेरे पास एक छोटी सी दुकान है, उसे ही चला रहा हूँ। अपने बच्चों और अम्मी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने के लिए भी अपनी किस्मत होनी चाहिए। अगर समय सही रहा तो सब ठीक होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम जाकर उस आदमी से मिलो और समझाओ बात को। हाँ ठीक है, चलता। हाँ अरे बाला भाई, बाला भाई। हाँ। रुक जाइए, आपसे ही मिलना था मुझे। क्या बात है भाई, हम सब करीबी लोग हैं। पूछो। अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो मैं आपको इस बारे में समझाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई लोगों को आपके बारे में अनाप शनाप बातें करते सुना। अच्छा, क्या अनाप शनाप?
आप स्कूल का काम करने के बाद कहीं और भी काम करने के लिए जाते हो ऐसा मैंने सुना, ये सही है क्या? इसमें दिक्कत क्या है? आप पूछ रहे हो दिक्कत क्या है? ये सुनकर मैं कितना चौंक गया हूँ। आपको दिन रात मेहनत करने के बजाय एक जगह बैठकर कुछ सोचना चाहिए। इस दुनिया में सोचने के लिए कितना कुछ है हमारे पास। मुझे क्या सोचना है? अरे बहुत कुछ है सोचने के लिए। अरे शुक्र, हाँ। जैसे तुम सोच रहे हो, अगर मैंने सोचना शुरू किया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, और अगर तेरी बीवी ऐसा सोचने लगी तो तू भूखा मर जाएगा, समझा ना? हर परिवार में कोई एक सोचेगा तभी तो काम होगा ना। अच्छा ऐसा है क्या? और क्या? अच्छा अच्छा। अरे शुक्र, क्या हुआ? आप वहाँ क्या कर रहे हो? पानी में भिगोए हुआ चावल निकाल कर दो। अब उसको मुझे ही पीसना होगा क्या? हाँ पीसना होगा। तो फिर बाला, अरे ये चला गया। आज जो उसने बोला बिल्कुल ठीक बोला, उसके बारे में सोचना चाहिए। आज पूरा दिन इस बारे में ही सोचूंगा, चावल कल पीस लेंगे। सैयद अली। हाँ? अरे नायर, कैसे हो आप? क्या बात है, आप यहाँ क्यों रुक गए? नहीं रहने दो, थोड़ा काम है। हाँ। जाते जाते रास्ते में तुमसे मिलते हुए जाने की सोच रहा था। तुम्हारा एक दोस्त था ना, पता नहीं उसका क्या नाम था, जिसको हमने मकान किराए पर दिया था। बाला। हाँ, वो मिले तो उससे कहना कि मेरे बच्चे गांव आने वाले हैं। हाँ। उससे पहले घर खाली कर दे, उसे याद दिलाते रहना। हाँ। क्योंकि वो लोग जब आएंगे तो उनको यहाँ रहने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी काफी समय पड़ा है इसलिए पहले से बोल दो, बस यही बोलना था तुम्हें। और कैसा चल रहा है तुम्हारे? और हाँ, तुम्हारा बेटा फोन वगैरह तो करता है ना, काम कैसा चल रहा है उसका? हाँ कभी कभार करता है। तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ठीक है ना? चलता हूँ। हाँ। आधी रात को लाइट जलाकर ऐसे बैठोगे तो बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा? मैं एक बात सोच रहा हूँ, हमें इस बारे में पिताजी को बताना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? अरे इसी बहाने तो हम उनसे घर बनाने की बात भी कर सकते हैं। ये जरूरी है क्या? ये शादी और घर बनाने के मौके पर अपनों की और रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ती है। वैसे भी हमारे घर में जितना है उसमें घर का काम नहीं पड़ेगा। अरे मदद करनी तो करें, वरना कोई बात नहीं। अगर दिक्कत है तो अभी शुरू मत करो। अरे नहीं, साथ साथ घर का काम भी करना चाहिए, वरना हर दिन चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले ही कर लेना बेहतर है। मैं कल ही जाकर पिताजी से बात कर लेता हूँ, तुम बच्चों को ले जाओ। आजा बेटा। तुझे क्या हुआ है, माँ का पल्लू पकड़ के घूम रहा है? कल स्कूल नहीं जाना क्या? हेलो। अरे कुर्मिला, तू गांव से आ गया क्या? क्या बात है मास्टर। कैसे हो तुम? और अमेरिका से कब आए? मुझे आए बस कुछ दिन ही हुए। लेकिन तुम्हारा कलर थोड़ा फीका हो गया है। सुंदर होना कोई मायने नहीं रखता बेटा, स्वास्थ्य और संतोष ये जरूरी है। ओ। मुझे कितनी बीमारियां थी, शुगर, बीपी, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। अभी किसी चीज की जरूरत नहीं, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त। तुम अमेरिका की इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ पर ट्रैक्टर चलाने के लिए? वैसे भी खेती के काम में मिलता ही क्या? एक कृषि का बेटा होकर तुम ये सब कह रहे हो? अगर 3 गाय हो तो हम एक परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं। और कृषि से बढ़कर कोई व्यवसाय है क्या? बस थोड़ी सी मेहनत, शरीर में मिट्टी लगती है तो क्या, पेट भर के खाना खाएंगे और स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। राजीव तुम पूरी तरह से बदल गए। मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं। ये हुई ना बात, तुम पूरे देश का भ्रमण करके अब खेती के हाथ में फंस गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम पिताजी के बारे में नहीं जानते हो ना, इसलिए ऐसा सोच रहे हो। तुम्हें लगता है वो बुढ़ापे में सड़ जाएंगे? वो पक्के किसान है। थोड़ा दूर बैठिए ना। तुमने वो मशीन ठीक कर दिया क्या? उसको तो मैंने कल ही ठीक कर दिया था। अच्छा किया फिर तो, हमेशा काम के चक्कर में लगे रहते हैं। आप क्या सोचकर इस तरह धूप में खड़े हो, कल कितना चिल्ला रहे थे। हाँ सब याद है, अभी तुम खड़े होकर चिल्लाओ ना, यहाँ सारा काम ऐसे ही पड़ा है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। मेरे इस बुढ़ापे में एक कैसी बिना चैन सुकून की जिंदगी दे रखी है, हे कृष्णा। हाँ, क्या बात है, 100 साल जियोगे। अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। 100 साल की उम्र आप रखो, ये बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा अलग है। वैसे कृषि का काम ठीक चल रहा है ना? कृषि का काम अच्छे से होने वाला है क्या बेटा, उसके लिए मिट्टी में मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जोक मारा, तुम लोगों ने अपने हाथ में फावड़ा ना पकड़ा होता ना तो पेन होता जाता है। पेन पकड़ने से पेट नहीं भरता है, उसके लिए चावल खरीदना पड़ता है, हमें फावड़ा पकड़ने से खुशी मिलती है। कैसे इंसान है लोग।
तुम अपने साथ बहू और बच्चों को नहीं लाए बाला। ऐसे कामकाज के बीच में? कैसा कामकाज? तुम अगर कामकाज में व्यस्त होते तो 3-4 घंटे का सफर तय करके इतनी दूर थोड़ी ना आते। 1 सेंट जमीन 1.5 लाख में खरीदना बेवकूफी है। तुमने वहाँ जितने पैसे में 8 सेंट जमीन खरीदी, उतने पैसे में हम इस गांव में 3 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। आप कुछ भी कहिए, आखिर कब तक अपने परिवार को ऐसे रखूंगा? तुमसे किसी ने कहा है क्या? तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में अपने परिवार को इज्जत की जिंदगी दे सकते हो क्या? वो भी उतना जाकर, उसके अलावा अब घर भी बनाने वाले हो, फिर ये घर किस लिए है? और बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, क्या करूं? आप जरा चुप रहेंगे क्या? ये अभी अभी तो आया है, आपकी रामायण शुरू हो गई। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तुम लोगों की जो मर्जी हो वो काम करो तुम, और हाँ, मुझे इसमें शामिल मत करना। थोड़ा सा और खा लो बेटा। बस हो गया। वैसे भी तुम अपने पिताजी के बारे में नहीं जानते क्या? हाँ, वो मानता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पिताजी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। आशीर्वाद लेकर घर बना सकता हूँ क्या माँ? छोड़ ना, छोटी बात पे झगड़ा शुरू करता है, बचपन से ही तो ऐसा है। मैं तुझे जानती हूँ ना, आज तक तूने घर के किसी भी काम में मदद नहीं की है, हमेशा से ही यही तेरी आदत रही है। अरे जब भी आता हूँ कमियाँ गिनते रहते सब। क्या बोला तूने? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, घर बनाने के लिए पैसों का इंतजाम किया? थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बाकी सोना रखा हुआ है, बाकी कितने पैसे लगेंगे नहीं जानता। तो एक काम कर, पहले जाकर किसी ज्योतिषी से मिल। बाकी पैसे वो ज्योतिषी देगा। एक लगा कर दो क्या? और नहीं तो क्या, हर बात में ज्योतिषी को लाती हो। हाँ, मुझे नहीं पता। दादा दादी ने कुछ खाने के लिए भेजा है क्या? और नहीं तो क्या, जरूर बताया था। वहाँ जाते पहले यही बात बताई थी, और वो अंदर जाकर तिजोरी खोलकर 5,000 रुपए लेकर आए और बोले ये सेतु को ले जाकर दे देना, वो तुम्हें चाहिए क्या? क्या है ये सब बाला? कुछ भी। हाँ तो और क्या, मैं इसके टूर की बात करने गया था वहाँ। मैं पिताजी से एक जरूरी बात करने के लिए गया था, लेकिन उनके जैसा कंजूस दुनिया में नहीं है। खेती करना, भैंसों को नहलाना, मजदूरों को मजदूरी देना, और ऐसे सैकड़ों काम है उनके पास, लेकिन मेरी मदद नहीं करेंगे। शुरू हो गए, वहाँ जब भी जाकर आते हो बस शिकायतें रहती हैं। हाँ तो और क्या, उनका इकलौता बेटा हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा जमीन से प्यार है उनको। कृषि के लिए अवार्ड लेकर उसी के साथ उन्हें जीने दो, और माँ भी उनका साथ देती हैं। बोलती हैं पिताजी का साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बाला, ये तुमने देखा क्या? क्या है इसमें? माँ की चूड़ियां हैं ये। हाँ, माँ ने कहा तो था कुछ रखा है, मैं इसे चेक करके देखता हूँ। तुम चुप रहो बाला। इसे तुम रख लो। चांदी का हाथ, चांदी का हाथ, चेहरे को देखकर भविष्य बताऊंगा। आँख, कान, नाक, दांत माता को अर्पण करके कितना कुछ मांग सकते हैं। परिवार में जलन, दुख, तकरार, इनसे मुक्ति पाकर जीवन में ऊंचाई पर पहुंच सकते हो और सफलता पा सकते हो। चांदी का हाथ, चांदी का पैर, ऐसा कुछ चाहिए क्या? आपके पास चांदी के बर्तन है क्या? हाँ? हाँ? क्या? चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तन। इसको पाइल्स का प्रॉब्लम है, इसको भी अपने साथ रख लो। चांदी के बर्तन नहीं है, अगली बार आऊंगा तो लाऊंगा। हाँ सुनो, बोल रहे हैं अगली बार आते समय लेकर आएंगे एक चाय। चांदी का बर्तन मैं कहाँ से लाऊंगा? चांदी ये हमसे बात कर रहा है। रामा जरा दुकान को संभालो, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ सैयद भाई। हाँ बाला। हाँ। तुम अपने गांव जाने वाले थे ना? वहाँ जाके वापस आ गया, वहाँ से कोई काम नहीं बनेगा भाई। अरे एक बार में इस तरह नाउम्मीद मत बनो, देखो तुम घर का काम शुरू कर दो, फिर देखा जाएगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इधर उधर से लेने से बेहतर है मैं लोन ले लेता हूँ। लोन? हाँ लोन तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत झंझट वाला काम है। हैं? अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाएंगे तो हमारी जान खा जाएंगे वो लोग। मैं लोन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने काम के लिए जो लोन लिया था उसका ब्याज पर ब्याज भरने के बाद भी मुझे नोटिस मिलती रहती है, और जब पैसा होगा तभी तो चुका पाएंगे, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं है। लोन लेकर अगर घर बना लिया तो किराए से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ किराए के मकान से याद आया, वो नायर मिला था, वो बता रहा था कि उसके बच्चे बाहर गांव से आ रहे हैं तो उनके रहने के लिए घर खाली करना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी अभी काफी समय है।
तब तक हम लोग किराए के मकान में रहेंगे। उसको ठीक से किराया भी नहीं दे पाए हैं अभी, और मेरे कारण उस इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलता हूँ फिर। न जाने सारी मुश्किलें एक साथ कहाँ से आ जाती हैं। सर। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर, मैं यहाँ लोन के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। लोन देने वाली मैडम ली पर है ना, एक काम करो जाकर मैनेजर से मिल लो। हाँ ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है, बैठिए। सर मुझे एक लोन चाहिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। लोन किस लिए चाहिए? क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट यूपी स्कूल। मास्टर हैं? मास्टर नहीं, पीयून हूँ। बैठिए आप। प्रॉपर्टी कहाँ है? प्रॉपर्टी मंदिर के दाएं तरफ है। कितना सेंट के लगभग? सैलरी सर्टिफिकेट से लोन ले सकते हैं आप। और 33% ही हमारी बैंक लोन देती है। ठीक है। प्लान प्रिंट वगैरह रेडी है क्या? प्लान बनाया है लेकिन अच्छे से उसका प्रिंट निकलवाना है। आप सारे पेपर्स तैयार करके आइए। हाँ। अच्छा सर उसमें क्या क्या लगेगा? हाँ मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या लगेगा उसमें। हाँ एक मिनट। हाँ। आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, तनख्वाह का अप्रूवल, जगह की सर्टिफिकेट, प्रिंट प्लान, कोड लॉक, इसके दो फोटोज, दो कॉपी और लोकेशन सर्टिफिकेट, म्युनिसिपल सैंक्शन, वोटर आई कार्ड, और आप इंडियन सिटीजन है उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड। तो तुम बिना पेपर के ही बैंक चले गए क्या? अरे कुरेविला मास्टर, आपने तो बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तुरंत लोन मिल जाता है। अरे तुरंत मिल जाएगा का क्या मतलब होता है? तुम्हारे जाते ही पैसे दे देंगे क्या? अरे उसके लिए तुम्हारा गुडविल का सर्टिफिकेट भी तो लगेगा। शॉर्टकट में बोला जाए तो बाला, तुमने घर बनाने का मन बना लिया है। घर बनाना है गड्ढा खोदने के लिए, लकड़ा रखने के लिए। अपने पंडित को बुला लो। आजकल पंडित जी को कौन बुलाता है? लोगों ने वास्तु को फैशन बना लिया है। वास्तु? ये कौन पंडित है? वास्तु नहीं, वास्तु। मेरे शुक्र को भी एक लोन दिलवाना चाहिए। सोचने के लिए? बेकार बैठकर सोचने के लिए उसको लोन क्यों चाहिए? क्या बता सकती हैं आप? नहीं मास्टर, लोन लेकर लोन कैसे चुकाना है ये बैठकर सोच सकता है ना? फोन लगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक सवाल पूछूं क्या? ये रेती की जो डकैती हो रही है वो कहाँ जाकर रुकने वाली है? अरे हम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये हमारी नदियाँ और पेड़ पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। तुम लोगों को पता है पानी बहने वाली हर जगह में पेड़ पौधे खोखले होते जा रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। और हमें तो आपस में लड़ने से फुर्सत ही नहीं है भाइयों, हम क्या कर रहे हैं? इस मौके पर मुझे याद आ रही है मेरे प्रिय मित्र अनी की कविता की दो पंक्तियाँ। समुद्र को ढूंढने निकला बारिश की दो बूंद पानी, कहीं बीच गड्ढे में गिर कर खो गया। हेलो कौन बोल रहा है? भविष्य में हमारे साथ ऐसा ना हो इसलिए ये जो चोरियां हो रही है वो हमारे देश से पूरी तरह मिट जानी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो पकड़ो इसे। एक मिनट रहो। हाँ हमसा, कितना लोड? 3 लोड रहती। अरे पुलिस, उसकी चिंता मत करो, पुलिस को मैं समझा लूंगा। राशन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, वोट की कॉपी, सब कुछ लेकर आया कि नहीं? लेकर आया हूँ सर। और इन कंप्लीमेंट सर्टिफिकेट लाया कि नहीं? पहले बताना चाहिए था। चुपचाप जाओ यहाँ से। आप तो चक्कर लगवाने की बात कर रहे हो। काम का टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम। अगला। सर मैं यहाँ लोन के बारे में। लोन? सर घर बनाने के लिए। घर को बनवाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। अरे सर ऐसा मत बोलिए, मैं छुट्टी लेकर आया हूँ सर। एम्प्लॉय हो क्या? हाँ गवर्नमेंट ईपी स्कूल। ओ मास्टर हो, बैठो। अरे बस ऐसे ही ठीक है सर, मैं मास्टर नहीं हूँ। तो फिर हेडमास्टर हो ना, बैठो। रामकृष्णा ये स्कूल के हेडमास्टर है, इनके लिए चाय लेकर आओ। मास्टर चाय या कॉफी? अरे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हेडमास्टर नहीं हूँ। अरे हेडमास्टर नहीं हो तो चाय तो पी सकते हो ना। फिर आप मुझे मास्टर बोल ले, मैं एक पीयून हूँ। हाँ फिर एक काली चाय बोल दो। रामकृष्णा एक चाय और एक काली चाय के साथ कुछ नमकीन। ओके सर। हाँ वैसे क्या बात है पीयून? सर ये तीसरी बार है जब मैं यहाँ के मामले के संदर्भ में आया हूँ। जब पहली बार आया था तब आपने कहा था कि आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, घर का डॉक्यूमेंट चाहिए, और जब वो सब लेकर आया था तब आपने कहा आज नहीं कल आओ। उसके बाद जब अगले दिन आने के लिए बोला तो वो दिन आज। ओ, अब मुझे क्या करना होगा ये बताइए, मैं वो भी कर लूंगा। तो फिर एक काम करो कल आ जाओ। कल रविवार है सर। ओ तो फिर तुम सोमवार को आ जाओ। सोमवार को तो बंद है ना सर। ओ तो मंगलवार को आ जाओ। सर मेहरबानी करके चक्कर मत कटवाइए आप, मैं बस आपसे मिलने के लिए बहुत दिन से चक्कर काट रहा हूँ, अभी और कितने चक्कर कटवाएंगे? और कितने दिन मैं छुट्टी लेकर आता रहूंगा? देखो तुम चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अरे कुछ नमकीन नहीं है क्या? सर नमकीन? अरे खाना खाने के समय नमकीन किस लिए? हाँ खाना खाने का समय हो गया है तो ठीक है, एक काम करते हैं, तो ये चाय पीने के बाद खाना खाते हैं। या फिर एक काम करते हैं, पहले जमीन नाप लेते हैं। बोलो क्या कहते हो?
अरे तो हमें करना क्या है? हाँ, अरे लंच भी तो करना है। रामकृष्णा एक ऑटो बुलाओ। सुनो चाय का पैसा दो। कुछ भी कहो, तुम्हारी जमीन बहुत अच्छी जगह पर है। यहाँ पानी की दिक्कत तो? कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ के लोग पानी के साथ ही जुड़े हुए हैं। सुबह काम पर जाने के बाद वापस लौटते समय फुल नशे में रहते हैं। बढ़िया जगह है, हवा कितनी अच्छी आ रही है। चलो सो जाते हैं। अरे सोने के लिए अच्छी जगह तो विलेज ऑफिस है ना। विलेज ऑफिस में हवा की जरूरत नहीं है, बस कुर्सी पर बैठने की देर है, तुरंत नींद आ जाती है, पता नहीं कैसे। वो भी ठीक ही बोल रहे हैं। बाला सर यहाँ आओ जरा। हाँ सर। एक समस्या है और वो ये है कि रेसिडेंशियल एरिया में हम घर बनाने का परमिशन नहीं दे सकते हैं। मंदिर के पीछे तुम कैसे घर बना सकते हो? अरे सर धोखा मत दीजिए, कुछ तो करिए। थोड़ा सोचने दो, कुछ तो रास्ता निकालेंगे। सुनो रामू, इसके काम पर थोड़ा ध्यान दो। अरे तुम जरा इधर आओ। भले ही ये मंदिर की जगह है लेकिन अगर सर ने मन बना लिया तो काम बन जाएगा। लेकिन सर का ख्याल रखना होगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसे हमारे सर घूसखोर इंसान नहीं है। ये हुई ना बात, तो फिर हमें उन्हें देने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा नजदीक हो। अगर हम खुशी से कुछ भी देंगे तो कोई भी कुछ ले लेगा। सोने जैसा दिल है सर का। समझ गया, कितना देना होगा? जितना भी हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर रिश्वत के नाम पर दोगे तो वो उनको पसंद नहीं है। बाला छोड़ो, 80 रुपए दे दो, क्यों ज्यादा है क्या? तुम इधर आओ। अरे तुम वहीं खड़े रहो। ये मंदिर की जमीन है, आप अगर ऐसी जमीन पर घर नहीं बनाओगे तो फिर कहाँ बनाओगे? देखो अगर ये आदमी तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला। 1000 रुपए इधर दे दो। 1000 रुपए? हाँ, अरे बाकी का हिसाब में जोड़ लेंगे। मास्टर पेड़ा नहीं है क्या? पेड़ा, खाना खाने के बाद पेड़ा खाए बिना नहीं रह पाता मैं। लगता है हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। सर बीवी के लिए भी 10 पार्सल में ले लो। हाँ 10 पार्सल पैक कर दो। मेरे लिए भी 10 पार्सल पैक कर दो, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। कितना चाहिए? कुछ नहीं, बजट के बारे में सोच रहा हूँ। बजट की छोड़ो, मेरे पास इतना ही था। ये लो भैया, मुझे देख लो, सब खाली हो गया। चलो चलते हैं। चलो। सुनो बाला, भले ही तुम्हारे पास 8 सेंट की जमीन है, तो ये पीस कौन सा अभी जो गया ना, सब कुछ ठीक करके दूंगा मैं। चलो चलो, तुम्हारा काम जल्दी ही हो जाएगा। हेलो बालू भाई। हेलो। क्या बात है सर, आइए बैठिए। अरे नहीं रहने दो, यहाँ से गुजर रहा था तो मिलने आ गया। बाला भाई नहीं है? नहीं, स्कूल गए। अरे ये बात तो मैं भूल ही गया। क्या चल रहा है काम के बारे में? शुरू नहीं करना? शुरू तो करना है, लेकिन लोन मिलने में 2 दिन और लगेंगे। वो सारे पेपर जमा करने की भागम भाग में लगे हुए हैं। ओके नो प्रॉब्लम, मैं तो बस याद दिला रहा था। बाला भाई को आते बता दीजिएगा, मैं उन्हें बता दूंगी। अरे सुनिए, चाय? नहीं नहीं चाय नहीं, कभी बाद में पियेंगे। ओके तेरी नागिन सी आंखें। हेलो, क्या बात है? गाड़ी के लिए पानी। ये दूसरी बार है ना यहाँ आते ही गाड़ी को प्यास लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है यहाँ का पानी गाड़ी को बहुत पसंद है। पति कहाँ है? वो सोच में है। क्या सोच का मतलब? सोच मतलब उसकी सोच की दुनिया में है। वैसे भी उस इंसान के पास क्या है सोचने? मैं नहीं जानती सर। देखो मुझे सर कहकर मत बुलाना। प्रहलाद। प्रहलाद। कुछ दिनों से मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। मैं भी। तो फिर मैं चलता हूँ। तू पानी? आज नहीं, किसी और दिन। हाँ किसी और दिन। अब तुम्हें ना एक दिन मैं पक्का लेकर जाऊँ, ठीक है? एक दो दिन में बस। हाँ। तुम्हारी कातिल सी आंखें मुझे। तुमने अपना क्या नाम बताया था? बालकृष्णा। तो फिर ये? वो हेमावान है। वो कौन है? वो भी मैं हूँ। अब ऐसे कैसे चलेगा भाई? अरे सर ये मेरे पिताजी से गलती हो गई थी। कौन तुम? नहीं नहीं ये नाम। सच कहूँ तो हेमावान ही मेरा असली नाम है।
लेकिन स्कूल में पढ़ते समय बच्चे मुझे हनुमान हनुमान कह के चिढ़ाते थे, तब मैंने अपने पिताजी से कहकर अपना नाम बदलवा दिया। इस नाम में क्या परेशानी थी, अच्छा ही नाम है। नहीं रहने दीजिए सर। हिमवान, हिमवान, हाय हाय। मुझे पसंद है हिमवान। हाँ सुनो हिमवान, एक सप्ताह के बाद आ जाओ और अपने साथ आप हिमवान और बालकृष्ण एक ही शख्स है इसका सर्टिफिकेट भी लेकर आओ। और बाकी सारे पेपर्स तो ठीक है, बहुत जल्दी लोन पास हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ ठीक है, अभी उन्नी कृष्णन को बच्चों को पढ़ाने दो। आओ बाला। हाँ। तुम्हारे पैसों का क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं हुआ। अरे तुम उसके टेंशन मत लो, घर का सारा काम हो गया ना, सिर्फ ऊपर का छत बनाना बाकी है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं फंस गया हूँ। जिनको जिनको जानता था सबसे उधार ले लिया। मुझे लगता है जितना कर्जा लिया था उतना ही और लेना पड़ेगा। बैंक से सारे पैसे मिल गए ना, छत बनाने के बाद लास्ट ड्यू मिलेगा। अरे कौन ऐसा कह रहा है, तुम उस मैनेजर के खास आदमी से जाकर मिलो, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, वरना ऐसे ही लटका रहेगा। वैसे भी अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुम बोलो। एक मिनट, हेलो। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी घर जाने के बाद ट्यूशन नहीं लेता, बिल्कुल नहीं। ओके, घर जाने के बाद ट्यूशन कौन लेता है। मैं क्या कह रहा था, अगर पैसा नहीं मिला तो। हाँ, अगर तुम्हें पैसे नहीं भी मिले तो ब्याज पर पैसे उठा लो। यहाँ बहुत से लोग ब्याज पर पैसा देते हैं। हाँ, और उसके अलावा। अरे उसके अलावा हमारे पास और क्या है करने को बाला? पैसे का मैंने दूसरा इंतजाम करके रखा है। अरे मैं तो तुम्हें यूं ही समझा रहा था। अगर इससे काम बन गया तो ठीक है। आप हिम्मत से रहिए भाई, सब ठीक होगा। हाँ हाँ सुनो प्रहलाद, ये हम तीसरी बार पार्टी कर रहे हैं। कम से कम आज की सेटिंग में लास्ट का ड्यू पास कराने के लिए अपने सर को समझाओ ना। उसे मैंने समझा दिया भाई, इतने समय बोलने की जरूरत नहीं है, जरा फोर्स करके समझाओ। हाँ, मैं उसको फोर्स करके समझाता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि पहले वो सर्टिफिकेट तैयार करके फिर मुझसे मिलो। सब तैयार कर लिया सर, आ जाऊँ क्या? आज नहीं, आज नहीं, आज एक मीटिंग में हूँ। तो फिर कल? कल, कल भी नहीं, मुझे कल भी एक मीटिंग में जाना है। तो आप बताइए। तुम परसों एक फुल लेकर आ जाओ। हाँ। सारे विषय पर हम यहाँ बैठ कर बात कर लेंगे। हाँ। और हाँ, ब्रांड मत बदलना। ठीक है सर, ठीक है। ओके। तो परसों का इंतजाम हो गया है। ओके। क्या बात है हिमावान, तुम्हारे बैग में चखना वगैरह कुछ भी नहीं है? अरे निकलो निकलो। अरे तुमने कुछ बोला ही नहीं, कुछ तो बोलना चाहिए ना। आपको क्या चाहिए सर? एक तंदूरी चिकन लेकर आओ। नरक का चिकन? वो नहीं, वो जो काट छाट कर बनाते हैं ना, ग्रिल्ड चिकन। हाँ, सही कहा। हाँ, अच्छा अच्छा। वो कितने में आएगा? रुको मैं लेकर आता हूं। नहीं नहीं नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब यही मंगा लेता हूँ। हेलो, बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। एक फुल चिकन, एक सोडा और दो बोतल पानी, आधा किलो काजू, और सुनो साथ में दो पैकेट सिगरेट और एक माचिस भी, जल्दी भेज दो। ओके। सुनो हिमावान सर, तुमने पहले जो दो ट्रीट दिए थे उसमें तुमने कुछ पिया नहीं, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज तुम्हें पीना पड़ेगा। सर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पीने की आदत नहीं है। अरे अब पीने की आदत डाल भी लो। बात ये कि घर में बीवी को ये सब पसंद नहीं है। ज्यादा परेशान मत हो, बीवी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर भी मुझे ये सब नहीं चाहिए सर। अगर तुमने आज नहीं पिया ना, मैं तुम्हारा लास्ट ड्यू पास नहीं करूंगा। अरे पी लो भाई, लास्ट ड्यू है। ये लो, एक मिनट। अरे ये क्या है सर? पता नहीं ये क्या कर रहे हैं सर? ये एक टेक्निक है, ऐसे बांध कर अगर मैं ज्यादा भी पी लूंगा ना तो भी मैं होश में रहूंगा। दो बार मेरी बीवी ने कंप्लेन किया था कि मैं पीने के बाद नंगा हो गया था। अरे मेरे लिए आधा ही काफी है सर। चाय थोड़ी ना है, पियो तुम। चीयर्स। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। कैसे लोग इतनी तकलीफ उठाकर पी लेते हैं, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है, कैसे पीते सब? थोड़ी देर के बाद तुम्हें इसका मजा समझ में आएगा, दो पैग एक साथ पी लो, बहुत मजा आएगा। अरे खत्म हो गया सर, लास्ट पैग पी लो। सर सर, हमारे बालन का लास्ट ड्यू है आज। ये बालन नहीं, हिमावान, हिमावान। इस नाम को मैं कुछ ज्यादा ही पसंद करता हूँ। सर जितना जल्दी हो सके इसे सेटल कर दीजिए ना सर। सुनिए ना सर, मुझे एक बात कहनी है। चिंता क्यों करते हो, मैं बैंक का मैनेजर हूँ। देख लो सब देख कुछ लो। मेरे हाथों में। और जब मैं तुम लोगों के साथ बैठा हूँ तो चिंता क्यों कर रहे हो? सर बहुत बढ़िया है हिमावान, कल तुम बैंक आ जाओ।
मैं तुम्हारे लिए चेक तैयार करके रखूंगा, ठीक है ना? अरे बस सर, बस सर नहीं हूँ, मैं थॉमस सर हूँ। सर आपके इस उपकार को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आप मेरे लिए भगवान हो सर, मेरे लिए भगवान हो। जरा एक पप्पी देना इधर इधर। चुप है, मेरे जैसे बैंक मैनेजर को आज तक कहीं देखा है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। खाना आ गया, आ जाओ अंदर, चिकन लेकर आओ। वाह 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 सर। चिकन नहीं, चिकन कढ़ाई कुछ आया होगा। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, बिल मेरे हाथ में मत दिया करो। तुम बिल हिमा बान को दो। बिल सर नहीं देंगे, मैं दूंगा। बालन भाई देंगे, यही तो। हे भगवान। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ घर आ गया सर। वही बोल रहा हूँ। उतर जाओ उतर जाओ। अरे चल सकते हो क्या, या मैं मदद करूँ? अरे अभी भी बता दो, मैंने बिल्कुल नहीं पिया। अरे उसकी अच्छा कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ बैंक जाकर चेक लेकर आ जाना। मैं ना कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम जाओ। मैं जाओ, गुड नाइट, मैं चला जाऊंगा। बदबू नहीं आ रही है, बच गया। क्या बात है, आते ही लेट गए हो बाला। खाना नहीं खाओगे क्या बाला? बाला क्या हो गया है? अरे मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, बिस्तर को घुमाओ मत। अरे बिस्तर को घुमाओ मत, मैं गिर जाऊंगा। बाला पीकर आए हो क्या? अरे बिस्तर को घुमाओ मत, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सुमी, मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ। बिस्तर मत घुमाओ बाला। क्या समझते हो अपने आप को? शराब पीकर क्यों आए हो बताओगे? अरे वो मैंने अपने लोन का लास्ट इंस्टॉलमेंट पास करवाया ना, तुम्हें पता है वो एकदम हीरे जैसा इंसान है। कौन? अरे वो बैंक का मैनेजर। मैनेजर? नहीं तो वो मेरे जैसे इंसान को कंपनी देता क्या? उसने मुझे पैक बना कर दिया और मैंने पिया। लेकिन उस इंसान से मुझे बस एक शिकायत है, वो मुझे देखकर हिमावान बुलाता है। मैं कुछ भी बोल रहा है वो गलत है, लेकिन वो मुझे प्यार से बुलाता है। पापा को क्यों नहला रही हो? हाँ बेटा। अरे मत बोलना मत पापा बोलना। ने बहुत बड़ा लोन पास कराया है, उसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ी, थक गए हैं। हम तो सोच रहे थे पापा पीकर आए हैं। जाओ जाओ। अभी मजा आया ना? अरे चलो बंदर। अरे 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 बाप, सुमी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जगाओ मत। सुनो कल बैंक में जाने की तारीख थी ना, कुछ भी हो आज आप बैंक जाइए, पैसा नहीं है ये सोचकर टालने की कोशिश मत कीजिए, वो लोग कुछ दिन की मोहल्लत जरूर देंगे। देखता हूँ। आज सुबह सुबह इधर? हाँ। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? ओह क्या हुआ बेटी? इतने दिनों से वो देर रात तक आया करते थे और अब तो उन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। कल बैंक मैनेजर से मिलने गए थे तब भी शराब पीकर आए थे। अगर उनको बच्चों की जरा भी चिंता होती तो ऐसे करते क्या? इस बात को लेकर तुम परेशान मत हो, वो होशो हवास में इस तरह का काम करने वालों में से नहीं है, वो घटिया लोगों ने मिलकर उसको मजबूर किया होगा, नहीं तो वो ऐसा नहीं करता। स्कूल छूटने की वजह से वो मार्केट में जाकर पैकिंग का काम करता है। तुम्हें पता चलेगा तो दुख होगा, इसीलिए नहीं बताया तुम्हें। उससे ये बात पूछकर मुझे गाली मत सुनवाना। हाँ आपके अलावा मेरा और कौन है जिसे मैं दुख बांट सकूं? ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। लोन पास करवाने के लिए शराब पीना किसी नियम में है क्या? मेरी बीवी का मंगल। नमस्ते सर। नमस्ते। मैनेजर साहब अंदर है? हाँ अंदर। ओके इतने से काम हो जाएगा ना? ओके। हेलो सर। हाँ क्या बात है हिमावान, आओ बैठो, क्या हुआ? अरे वही मेरा लास्ट ड्यू। लास्ट ड्यू? हाँ उसके लिए तुम्हारा
छत का काम हो गया? हाँ, उसके लिए तो हम कल ही बात कर चुके हैं ना। कब? कल। अच्छा, वो तुम थे क्या? मैं तो भूल ही गया था। वैसे नरक का चिकन कैसा लगा आपको? सासी, हिमावान का चेक रेडी करो। हाँ, छत का काम पक्का हो गया ना? हो गया सर, कंप्लीट छत का काम हो गया। कोई परेशानी नहीं। मैंने कल शराब के नशे में कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं कहा था? वो भी ठीक है। एक काम करते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ। वैसे सर आप कहाँ? तुम्हारे साइट पे। अरे ऐसे मत कीजिए सर। वो क्यों? वो काम पूरा हो गया ना सर। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो बेवजह इतनी तकलीफ उठाकर आप जा रहे हैं तो। ये सब मेहनत वगैरह काम का हिस्सा है, तुम चलो। अरे बाप रे, फंस गया। देख कर होश में रिपोर्ट तैयार करना है। सारा काम वैसे हो तो गया है ना? नहीं जाएंगे तो भी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी सर। वहाँ की रोड बहुत खराब है सर, गाड़ी अगर गड्ढे में गिर गई तो अंजर पंजर इधर उधर मैं झेल लूंगा। तुम चलो। इस रोड में गड्ढा वगैरह कहाँ है? था सर, लगता है कल रात को आकर किसी ने भर दिया होगा। हाँ आ गया, बस रोक दो रोक दो रोक दो। हाँ यही है, आइए सर। ये सब देखने आया था मैं यहाँ। हिमावान। हाँ सर। ये कहाँ गया? मैं इधर हूँ सर। ये क्या है? ये तुमने पूरी छत तैयार की है? अरे तुमसे बात कर रहा हूँ, ये तैयार किया है तुमने पूरा छत? सुनाई दे रहा सर, आप कहिए तो एक ट्रीट और देता हूँ। ये चौथा ट्रीट हो जाएगा सर, साथ में नरक का चिकन भी देता हूँ सर। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, जिस घर का काम पूरा नहीं हुआ है उसकी रिपोर्ट मैं तैयार कैसे करूँ? इसके बाद मेरी नौकरी का क्या होगा, अंदाजा है तुम्हें? आज मैं साइट इंस्पेक्शन करके तुम्हारा चेक क्लियर करने के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम पहले छत कंप्लीट करो। सर मैं बहुत ईमानदार इंसान की औलाद हूँ, मेरे हाथ में एक फुटी कौड़ी नहीं है, इसीलिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। आप कैसे भी करके इसको पास करा दीजिए। हे मेरे प्रभु, अच्छा हुआ आज यहाँ आकर मैंने इंस्पेक्शन किया। तुम हिमावान नहीं हो, हनुमान हो। हनुमान? मेरी नौकरी छीनकर मेरी जिंदगी तबाह करने वाले हनुमान हो। चले थे मुझे धोखा देने। और मेरी बात सुनो, जब तक इस छत का काम पूरा ना हो जाए मुझसे मिलना मत। हाँ। ए, गाड़ी निकालो। मुझ पर क्यों चला रहे हो? अरे सॉरी सर, गाड़ी निकालिए प्लीज। चलो हटो। इंसान को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। फ्रिज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अरे ये कंपनी की ब्रांड है, ये लो गारंटी कार्ड। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? और हर 10 तारीख को याद से भर देना। पता है मुझे। हाँ। क्या बात है? यहाँ ऑटो रिक्शा आया था? फ्रिज लेकर आया है। फ्रिज? वो घर में नहीं है क्या? वो तो घर मालिक का है ना, हमारे घर काम होने के बाद हमें नहीं चाहिए क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सुमी? वो हम बाद में कर लेते। अरे बाला, उसको 500 एडवांस देना था तो बस मैंने दे दिया। और बाकी का? वो हर महीने किश्त में चुकाना होगा। वो कौन भरेगा, तुम या तुम्हारे पिताजी? अरे क्या बाला, तुम भी अपने घर का काम जब तक होगा तब तक ये चुकता हो जाएगा। अगर हम अभी से धीरे धीरे करके सामान नहीं खरीदेंगे तो एक साथ सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए महीने का 2500 तुम भर दिया करना बाला। महीने का 2500 रुपए? हे भगवान, ये कैसी मुश्किल में फंसा दिया मुझे। एक और आ गया। ओहो सुमित्रा, देखो मामा जी आए। हे भगवान, कितनी धूप है। हाँ मामा आइए। क्या बात है बाला? हाँ सब ठीक ही है। क्या बात है मामा जी, आजकल आप बहुत चिल फिर चलना इतनी तकलीफ उठाकर यहाँ तक आ गए। तुम लोगों से मिले काफी दिन हो गए थे, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया। ये क्या है? ये कुछ नहीं, कमोड है। ओ फ्रिज है। सुमित्रा। हाँ? अरे रे सुमित्रा, अरे ये बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, पहले कितने छोटे थे। मामा जी आप क्या पियेंगे? मेरे लिए तो छाछ और पानी काफी है। हाँ लेकर आ। हाँ ले आओ। अरे वाह, क्या करूँ, कुछ छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन 2-3 बार निकल ही जाता है। गैस्ट्रिक की बीमारी है और ऊपर से अकेला रहता हूँ, हजम नहीं होता। अरे जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया, हमारे राजू की शादी है। ऐसा क्या? कहाँ पर? उधर बगल में ही, कोल्लमपुरू में। क्या प्यार है? क्या प्यार नहीं, अरेंज। क्या हुआ? अगर ऐसा है तो आप बच गए मामा, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अरे अब तो जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है ना। हाँ। जिनसे उधार लिया है उनको देना भी तो पड़ेगा। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा।
हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो जाएगा इस भरोसे पर मैंने वादा किया था। सब कुछ अच्छा होगा मामा जी। हाँ चलेगा, हलचल तो हो रही है, आते समय तुमने देखा नहीं क्या? पानी पानी। हाँ ये लो। श्रीधर को दहेज में 4 तोला सोना मिला था। वाह, और वो भी दे सकता है ना? क्या बात है। हाँ। और रमणी की तरफ से, रमणी की तरफ से तो 2 तोला का इंतजाम हो जाएगा। क्या? कुल मिलाकर 10-15 तोला देना तो बनता ही है। उतना तो देना पड़ेगा। और सुलोचना का पति 2 लाख देने की बात किया है, उससे भी 2 लाख मिल जाएंगे। सच में? हाँ, कसम मेरी माँ की। तो अभी तकलीफ किस बात की है? अभी शादी हो गई काफी नहीं है क्या? फिर जहाँ भी मांगूंगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। लगता है आज कुछ ज्यादा ही खा लिया हूँ। मामा जी आप थोड़ा रेस्ट करिए। मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे हो क्या? मैं जो बोलना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी पुराने हिसाब किताब में जोड़ के रखे होंगे। वैसे तुम भीड़ भाड़ में केवल एक ही भरोसेमंद इंसान हो, तकलीफ दे रहा हो ऐसा मत सोचना। अरे ऐसा कुछ नहीं मामा। घर का काम चल रहा है मैं जानता हूँ, फिर भी अरे बाला, अब मैं रुकूंगा नहीं, मुझे बहुत सारे काम हैं। मैं भी चलता हूँ। अभी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा शादी में पहले ही आ जाना, सुन लिया ना? अरे पकड़ो मत, पकड़ो मत। बच्चों चलो क्या? ये बहुत शरारती बच्चे। जाओ 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 जाओ। बाला भाई। हाँ। घर में 1 किलो बांगड़ा दे दूं क्या? अरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 1 किलो देता हूं। अरे नहीं चाहिए ना, जाओ ना तुम। भाव बढ़ गए इसलिए नहीं चाहिए क्या? हाँ। बांगड़ा ले लो, सुरमई ले लो, मछली ले लो। हाँ विजय भाई। हाँ बाला। हाँ मिलने के लिए कहा था आपने। सुनो, मंदिर के परिसर में तुमको कम कीमत में जमीन दी गई है, ऐसा कमेटी में चर्चा हो रहा है, और इस क्षेत्र में तुम मंदिर के लिए अच्छा डोनेशन दोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था, समझे ना? तो इसमें परेशानी की बात क्या है? मैं तो देता हूँ, आगे क्या करना है ये बताइए। हाँ मैंने सब नोट करके रखा है, कुछ भी हो एक घर का अच्छा काम चल रहा है ना, ये लो। ये क्या 10,000 रुपए? तो 1 रुपया रहने दो, 10,000 मिल गया तो काफी है। बाला। हाँ। तुम जरा वहाँ चलना। क्यों क्या हुआ? क्या तुम अपने घर के बगल के घर से बिजली ले रहे हो? हाँ। ये बात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को पता चल गई, उन्होंने आकर कनेक्शन काट दिया। अब तुम जाकर बोलोगे तो ही कनेक्शन देंगे। अब चलो चलो। मेरे प्रभु। अरे देवी माँ, थोड़ा तो आराम करने दो, इतनी सारी परेशानी। फूल लेकर आओ। ओम बूम। अब ये फूल कहाँ से लाऊंगी? इस परिसर ने सारे फूल ले लिए तो क्या फायदा है? कोई बात नहीं, आम का पता है तो वही लेकर आ जाओ। आप बकरा है क्या? बात नहीं करनी है। संगाई हांगकांग मुझे डर लग रहा है, अगर जल्दी काम खत्म करने जैसा नहीं। वास्तु पूजा की जाती है, स्वामी जी से अच्छा कोई पुजारी नहीं हो सकता है। क्या बात कर रहे हो तुम? परेशान ना हो। संगाई हांगकांग संगाई हांगकांग। तुम्हारे इस तरह घंटी बजाने से कोई फायदा नहीं है। इधर दो, इधर दो। पूजा खत्म हो गई है, इतना काफी है। ये कुबेर का थैला है, अच्छी संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसे घर के दक्षिण कोने में ले जाकर रख दो, उसके बाद जो हर महीने तनख्वाह मिलती है उसका एक हिस्सा उसमें रख दो। 6 महीने के बाद मैं खुद आऊंगा और उसे ले जाकर कैलाश के नीचे कुबेर बाबा के मंदिर में डोनेशन दे दूंगा, और उसके बाद तुम्हारे घर में रोजी रोटी आएगी और बरकत भी खूब होगी। मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हे कुबेर बाबा, रक्षा करो। ईश्वर इस एडवांस के साथ कुबेर भगवान ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सर पर आशीर्वाद का हाथ बढ़ा दिया है। अभी सभी लोग कुबेरासन में खड़े हो जाइए। हमें भी करना है।
सूरज तुम नहीं खड़ी होगी? खड़ी हो जाओ। मैं पूजा में शामिल नहीं हूँ ना, इसलिए संगाई हांगकांग। हम जो तकलीफ उठा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, फिर भी इस घर का काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक शैतान मेरे बस में फंसने की बजाय इधर उधर भटक रहा है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तेरे सर पर एक पत्थर मारूंगा, बेवकूफ। ये क्या चल रहा है? ये सिनेमेटिक डांस है? कौन है आदमी? तुम कौन हो? मुझसे पूछ रहे हो कौन हूँ? पूजा में अर्चन डालने की बजाय दूर होकर खड़े हो जाओ। अरे बाला भाई, ये कुबेर भगवान की पूजा है, आपके घर का काम जल्दी करने के लिए। ओह, तो इसी भगवान को फिर दूध का अभिषेक कर दूंगा। अरे संजय स्वामी, तुम जरा इधर आओ। तूने अपना नाम क्या बताया? संगाई हांगकांग। मैं तंगपन संगाई हूँ, इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं। ओह, तो संगाई तुमने पूजा के लिए कितने पैसे लिए? ज्यादा नहीं, बस ये 2001 रुपीस ओनली, जस्ट फॉर द थैला की कीमत। तो वो पैसे इधर निकाल। ऐसा मत बोलो, जो अगर प्रॉपर्टीज की उम्मीद को लेकर मुझसे पूजा करवाते हैं उन लोगों को मेरी पूजा का फल मिलता है। मैं सब संभाल लूंगा, कहा ना मैंने। घटिया बैग है तेरा, चल यहां से। हे भगवान, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं यहाँ क्या होना। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, हो सकता है कि संघाई स्वामी को घर की शनि दशा को देखने के लिए लेकर गया होगा। मैं देख कर आती हूं। बारे में मेरा घर है, कोतवाल तंगपन के बारे में किसी से पूछोगे तो सब लोग जानते हैं। तेरा जो पेट है ना, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? सुनो बेटी, मैं जरा जा रही हूँ, बालन से पूछो, काफी है। ये सारा इंतजाम मैंने किया है, बालन को मत बताना। हाँ, क्या कुछ भी नहीं हुआ। अरे नानी रुको तो एक मिनट। हुआ क्या? मैं अभी आई। पैसा निकाल, बेवकूफ। घर में पैसे नहीं, उसके बाद भी बेवकूफी करते हैं सब। दोबारा इस भेष में मेरे घर आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया ना? अरे ये विक खरीदने के लिए थोड़े पैसे लिए थे, आपने ले लिए। तुझे विक की पड़ी है, तेरी तो। अगर दोबारा यहाँ दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जब से घर का काम शुरू हुआ है तब से कोई ना कोई अड़चने आ ही रही हैं। सब कुछ अच्छा हो इसलिए ये सब करवाने के लिए जब नानी माँ ने बोला तो मैंने उन्हें आने के लिए कहा। बहस करना बंद करो और ये सामान बाहर निकालने की सोचो। मनुष्यत भगाने के नाम पर ये ढोंग मत करो। हे भगवान, कुबेर की पूजा थी। अरे जल्दी करो, थोड़ी देर रुको ना यार, वापस भी तो जाना है। कैसा आदमी है बेटे। हाँ अरे सांडी भाई बैठिए। मैं बैठ नहीं सकता बेटी, ये पकड़ो, इसी गाड़ी से वापस जाना है मुझे। ऐसा है क्या? बालन कहाँ है? अंदर है, बुलाती हूँ। बाला बाला। मम्मी पापा को कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है। क्या बात है सांडी भाई, कोई खास बात? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। माँ ने बस 1,00,000 रुपए भिजवाए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, पूरे 1,00,000 रुपए है। ये ले पकड़ो, अभी मैं रुक नहीं सकता, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना है। हाँ, चलता। अरे चाय पीकर तो जाइए। हाँ, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे इसी ऑटो से वापस जाना है। काली चाय तो पी लो। काली या पीली, मुझे नहीं चाहिए चाय। अभी मैं चलता हूँ बेटी। हाँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ। आप क्या बोलते हो बाला? क्या? सारी अड़चने एक एक करके दूर हो रही है, उम्मीद से ज्यादा पैसे इस वक्त हमारे पास है। बेचारे सैंडी को कुछ पैसे दे देने चाहिए थे। जिसको 2,000-4,000 रुपए दिए थे ना मैंने, उसके गले में हाथ डालकर पैसा वापस लेकर आया हूँ मैं। हे भगवान, अरे ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ होने की वजह से ये पैसा मेरे हाथ में आया है और मेरा पैसा वापस मिला, समझी? दो कौड़ी का घटिया स्वामी। अरे बाप रे बाला। हाँ अरे बाला भाई, बाला भाई। बाला भाई क्या बात है, काम शुरू नहीं करना? अरे काम की छोड़ो प्रहलाद, घर से माँ ने थोड़े पैसे भेजे, पहले जिन लोगों ने काम किया और जिनका पैसा बाकी उनको पैसा देके उधारी कम कर लूँ। कितना है? 1,00,000 रुपए। सबको थोड़ा थोड़ा देकर समझा तो सकता हूँ। अरे आप पागल हो गए हो क्या, उधारी तो बाद में भी चुका सकते हैं, पहले घर की छत के बारे में सोचो, पैसे दो मुझे। नहीं प्रहलाद। क्या बात है, वो क्या है? मेरी बात सुनो, पहले पैसे मुझे दो तो कल छत के काम के लिए जो आएंगे वो 10-20 लोगों का खाना तैयार रखना, ओके? फिर साइड पे मिलते हैं। अरे अब तो थोड़ा होशियार हो जाओ। ओके? हाँ ठीक है। सपनों का वो आंगन, ला 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 ला। ये सब क्या है? क्या है? इतनी सारी भाजी तरकारी किस खुशी में? पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। वैसे आज कुछ खास है क्या बाला? अरे खास दिन ही है, कल ना हमारे घर की छत पड़ने वाली है।
छठ डलने वाली है। चुप रहो। इसे ऐसे बैठकर काटती रहोगे तो काफी हो जाएगा। है क्या? जाना नहीं है क्या? अरे चलो देर हो रही है। छठ डालने का जो फैसला लिया है अच्छा है। मैं भी अभी उसी के बारे में सोच रहा हूँ सैयद भाई, पहले छत का काम हो जाने दो। हाँ देख सुमित्रा, उधार लेना बहुत आसान है लेकिन इसे चुकाना हमारे बस की बात नहीं। जरा तो समझा इनको। इस काम के लिए पिताजी ने मदद की है हमारी। कुछ भी कहो सुमित्रा दीदी, आपका इंजीनियर है ना बहुत समझदार है। सच में वो आदमी बहुत कमाल का है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। मैं और वो, हम दोनों ने प्लान के बारे में बात करके रखे है। क्या इंजीनियर? नहीं इस अदरक को। अदरक को इमली में डालने के लिए काट कर रखा है। अरे इसको तो डाला है, इसको क्या हो गया है? ये भी ना, हाथ को जला मत लेना। शुक्र आज तुम्हारा सोचने का काम हो गया। क्या हो गया हो तो जाके आराम कर लो, बहुत देर से सोच रहे होगे ना, थक गए होगे। आराम करो क्योंकि कल भी तो सोचना है तुम्हें। जाओ। नहीं वैसे आप लोगों ने अंदर आते वक्त कुछ महसूस किया क्या? क्या कुछ भूकंप जैसा महसूस हुआ? कैसा भूकंप? मुझे ये धरती हिलने जैसी महसूस हुई। अरे तुम्हारी सोच की वजह से तुमको ऐसा महसूस हुआ। देखो इसमें सबकी भलाई है, अगर भूकंप आएगा तो समुद्र में जितने भी बोट हैं सारे हमारे घर के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। तुम जाके सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ चलो। क्या बात है? इसे रखो। अरे सैयद भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। अरे रख लो, पूरा काम करवाने के लिए उतना काफी नहीं है, जरूरत पर काम आएगा। ठीक है चलो। और वैसे मैं तुम्हारी नींद खराब करूंगा तो अच्छा नहीं होगा। अमीना चलो चलते हैं। अमीना आंटी आ रही हूँ। बाला कितने लोग होंगे? हाँ कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे मुझे कैसे पता? सामान को थोड़ा कम कर दिया होता तो अच्छा होता। वो ग्लास का निकालो। हाँ चलो चलो। इलायची रख ली है ना? आ जाओ बैठो। हाँ चलो। हाँ ये दे दो मुझे। वो सब अंदर है। यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या है? कोई काम करने वाला नहीं दिख रहा। अरे आज छत डलने का काम है ऐसा बोला था। आप जिस नंबर से संपर्क कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। फोन नहीं लग रहा है। एक बार और फोन करके देखो। तुम एक काम करो, तुम वापस जाओ, मैं उससे मिल के आता हूँ। अरे बाला भाई। क्या अरे मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? बाला भाई अब भगवान के लिए शांत हो जाओ, बैठकर बात करते हैं। मुझे ना अंदर बैठना है ना बाहर, या तो मेरे छत का काम कर या तो मेरा पैसा वापस कर। वापस कर। अरे अंदर तो चलो बैठकर बात करते हैं। अरे मेरी बात मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे कहने पर मैंने इतने लोगों का खाना बनाया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने ऐसा किया? बात क्या है, मुझे भी एक मौका दो समझाने का। मेरा हाथ छोड़। अंदर चलिए ना, बैठकर बात करते हैं। अगर तुमसे काम नहीं हो सकता है तो मुझे बताना चाहिए था, धोखा दिया मुझे। छोड़ो मुझे। अगर मुझे धोखा देना होता तो अब तक बिना पैसे में आपका काम करता इतना? भाई आपको मुझे 1.5 लाख रुपए देना ठीक है ना, फिर भी मैंने इन चीजों को साइड में रखकर आपका छत का काम करवाने का रिस्क लिया। मैं बंगाली और तमिल लोगों के मजदूरों से काम करवाता हूँ, कुछ पैसा उनका बाकी है। उन्होंने कहा कि पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, कर्ज लेकर काम शुरू करवाया था, और बैंक वालों का कहना है कि जब तक छत का काम शुरू नहीं होगा तब तक वो पैसे नहीं देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? भाई आप इधर आओ, यहीं पर रह के बात करो। भाई मेरा एक खास आदमी अंदर बैठा है, सारी बातें उनको समझा दी है, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। अभी वो अच्छे मूड में, चलो अंदर चलते। छोड़ो। अरे आ जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जब भी पैसों की समस्या हुई तब मेरी मदद करने वाले अच्छे इंसान है ये पुराण भाई। हाँ हाँ पैसा दे देता है तो पुराण भाई हूँ, जो पैसा नहीं देता है उसके लिए शेर बन जाता हूँ। खुद का पैसा देकर मांगने पर गालियां सुनने को मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बातों में आकर हम पिघल भी जाते हैं और पैसे देते हैं। झूठे मक्कार लोग फिर भी उनकी तकलीफ सुनकर सहन नहीं कर पाते और बाद में उनकी गालियां सुननी पड़ती हैं। देखो प्राण भाई, बाला भाई ऐसे इंसान नहीं है, है? मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ ये सब, मैं तो आम तौर पर बोल रहा हूँ। एक घर बनाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, शुरू करते ही हम फंस जाते हैं कितना भी पैसा लगा लो।
कम तो पड़ ही जाता है, और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक नींद भी नहीं आती, परेशान रहते हैं। वैसे तुम्हें कितने चाहिए अभी? अरे बाला भाई आप बोलो। नहीं तुम बोलो। 2 लाख मिल जाएंगे तो इनका छत का काम हो जाएगा। अगर छत का काम हो गया तो बैंक का लास्ट ड्यू मिलना बाकी है, वो पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा। नहीं ये देंगे। अरे ये तो मेरा ही पैसा देगा ना। हाँ हेलो, हाँ पुराण बोल रहा हूँ। हाँ अरे तुम जो पार्टी लेकर आए थे उस पार्टी ने अब तक पैसा नहीं लौटाया है। उस सुअर की टांगे तोड़ दूंगा मैं, उसको समझा देना, उसे पता नहीं मैं लाश से भी पैसे निकलवा लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है रखता हूँ अभी। हाँ तुम क्या बात कर रहे थे? टांगे तोड़ने की बात कर रहे थे। अरे वो तो मैं उसको बोल रहा था। हाँ, एक काम करो तुम ऑफिस आ जाना कल, मैं फोन करके बोल दूंगा। बहुत एहसान होगा, शुक्रिया। ए शुक्रिया वगैरह नहीं चाहिए, टाइम पे मेरा पैसा दे देना बस। प्रहलाद मैं चलता हूँ। हाँ, हमने जो तय किया वैसा करना। तुम यहाँ? घर का काम ठीक से चल रहा है ना? आपको लगता है मैं बेवजह भटक रहा हूँ? घर का काम हो जाए इसीलिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। भागो भागो ऐसे ही भागते रहो। नमस्ते सर। स्कूल का टाइम हो गया है, मैंने सोचा कि अब कोई खातिरदारी का काम बाकी होगा, आ जाने वाले हो या फिर? मास्टर आज मैं साइन करने आ जाऊँ, सोच रहा था 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। घर का काम काज कैसा चल रहा है, अगले जन्म तक हो जाएगा या फिर इसी जन्म में हो जाएगा? वैसे हॉस्टल लोगों से सुनने में आया कि छत का काम रुक गया है। जब पैसा नहीं है तो क्या कर सकते मास्टर, फिलहाल कुछ लोगों से उधार लेकर इंतजाम किया है, उससे छत का काम तो पूरा हो जाएगा। अगर छत बन गई समझो मैं जीत गया। कर्ज और लोन लेकर किया गया काम कभी ठीक नहीं होता है, कुछ भी कहो अगर कर्ज लिया तो उसे चुकाना तो पड़ेगा ही ना तुम्हें, और बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है अपने पहचान के लोगों से लेना। ठीक है ब्याज का पैसा मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना। 4 दिन की छुट्टी लेकर अगर मजदूरों का साथ नहीं दूंगा तो वो लोग और नुकसान करेंगे। ये सारी अकल पहले याद जानी चाहिए थी ना। अगर मेरे पास बुद्धि होती तो ये काम थोड़ी ना करता, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ सर। अब तुम्हें छुट्टी की जरूरत नहीं है, तुम साइन करके चले जाओ, बाकी का सब कुछ मैं संभाल लेता हूँ। पैर नहीं है क्या? नहीं होगा, ये लो। क्या बात है मास्टर, छुट्टी नहीं लेनी है क्या? अंदर बाला है। हाँ तो क्या हुआ? अरे वो घर बनाने के लिए पैसा मांगेगा ना। हाँ। और मैं उसे देना नहीं चाहता। अरे कौन देगा इतने पैसे बताओ? देखो हम तो जा रहे हैं, अगर तुम्हें मिलना है तो जाओ स्टाफ रूम में है। हाँ। मास्टर मैं भी आता हूँ। मास्टर मास्टर इनको क्या हो गया पता नहीं। शुक्र भाई। हाँ। इसे यहाँ रखो। ये क्या है बाबू? इस पौधे को मैं लगाना है, स्कूल से मिला है। अब यहाँ पौधा लगाना ही बाकी है और कोई काम बचा ही नहीं, तुम एकदम पागल हो गए हो क्या? इसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी किससे आकर बोला, रमेश भाई इसे अंदर रख लो जरा, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ। रमेश हाँ। यहाँ के लोगों के पास जरा भी दिमाग नहीं है, पौधा लगाने की बात कर रहे हैं। ये पौधा लगा लो, आगे जाके पेड़ बनेगा और तुम जैसे नालायक इसकी छांव में बैठेंगे, और तुम्हें काम ही क्या है? रमेश कॉफी पिलाओ इस लॉटरी वाले को। सर पर डालो। ए रमेश एक चाय देना। चाय पिलाऊं? यूनिफॉर्म बदलकर मिट्टी में खेलो, जाओ पहले बदलो फिर आकर खेलो यहाँ। हम मिट्टी में नहीं खेल रहे हैं, पौधा उगा रहे हैं। यहाँ पर लगाने से क्या फायदा, जब अपना घर होगा तब लगाना। अरे पेड़ हमें छांव देगा, हवा देगा, अगर पेड़ नहीं तो हम भी नहीं है। अरे माँ कुछ भी नहीं जानती। हाँ, है। ये तुमने सही कहा, इस बारे में मम्मी से बोल के क्या फायदा होने वाला है। तुम लोगों को पौधा मिला या नहीं? मिला। हाँ देखो। मैं नहीं जानती। हाँ कौन सा पौधा है ये? इसको स्कूल से लाकर इसके लिए गड्ढा खोदने का कोई फायदा नहीं, इसकी रोज देख रेख करनी होगी, इसमें पानी डालना होगा। अगर एक बार परिवार से संबंध बिगड़ गया तो बहुत मुश्किल होता है। अरे रमेश तुम्हें एक बात पता है क्या? वो हमारे सैयद अली। सैयद अली? है?
बोल्लापुर गांव में रहने वाले अब्दुल कादिर के बेटे सैयद अली का इंतकाल हो गया है। पूरे गांव को संदेश दिया जा रहा है, सुन लो। उनको दफनाने का कार्यक्रम 3 बजे जामा मस्जिद के पास किया जाएगा। फिर से सुनिए, उनको दफनाने का कार्यक्रम 3 बजे जामा मस्जिद के पास किया जाएगा। पेड़ इंसान का दोस्त होता है माँ। पेड़ हमें फल देगा, छांव देगा, फूल देगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। मानना पड़ेगा तेरा सेटअप। हाँ। प्रहलाद, हाँ। हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हो गए? आखिरी बार जब तुम अपनी माँ की मौत के बाद गांव आए थे तब ना। तो एक हिसाब से 5 साल हो गए। हाँ, सही कहा। तुम अभी उसी पुरानी जगह में हो ना? अरे मैं तो कतर चला गया था। रिसेशन होने के बाद से पूरा दुबई डाउन हो गया। मेरी कंपनी के साथ साथ कई कंपनियों को बंद कर दिया गया। अभी कतर में जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत कॉम्पिटिशन है भाई। ये देखना कैसा है, बताना तो। बताओ। चलेगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। 5 बेडरूम का सेटअप है। ओह, इतना बड़ा नहीं चाहिए, बस 3 बेडरूम अटैच। 3 बेडरूम। अगर ऐसा है तो हम एक जगह चक्कर आते हैं, ठीक है ना? ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी जाएंगे। okay. इसका हमें देरी नहीं होनी चाहिए। जाने से पहले एक फैसला करके जाएंगे। तो फिर हम जाएंगे। तुम्हें अभी घर की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ उधर ही है ना? माँ के जाने के बाद पापा यहीं रह रहे हैं। हाँ। उस वजह से मैं उनको वहाँ लेकर चला गया। अच्छी परवरिश करके बड़े करने वाले इंसान है, तुम तो जानते ही हो। उन्हें कैसे भूल सकते हैं? लेकिन साथ में रहने वाली बीवी ये बात समझ में नहीं आएगा। जैसा हम सोचते वैसा लोग नहीं सोचते। सही बात है। लेकिन अभी मेरे पापा गाँव वापस आने की जिद कर रहे हैं। नहीं, वो इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे? हम सब ने जिद करके पिताजी को दूसरी शादी के लिए मना लिया है। अच्छा, ऐसा है? मान गई है क्या वो? मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने गांव में रहेंगे तो गांव वालों को देखकर थोड़ा बैड फील करेंगे ना। ओ। इसलिए मैं इस घर के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे मैंने बनाया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, घर बहुत बढ़िया है। तुमने बनाया है इसीलिए मैं जाकर देखने वाला हूँ, नहीं तो मैं एडवांस दे चुका होता। अरे ये तो लगता है बेचने के लिए बनाई नहीं है। अरे नहीं, ये बेचारा एक पियोन का घर है, पैसे ना होने की वजह से काम रुक चुका है। कैसा लग रहा है? अच्छा है, घर अच्छा है। वैसे ये कितने स्क्वायर फीट का? 2000 स्क्वायर फीट। आने वाला है, दे देती हूँ। ये हफ्ता जाने दो, इस तरह का बहाना बनाकर 4-5 महीने निकाल दिए। तुम जैसे लोगों को 10 रुपया भी नहीं देना चाहिए। क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो स्कूल गए हुए हैं। स्कूल? बेकार का स्कूल। स्कूल में जाकर पूछा तो बोला कि घर गए हैं, यहाँ की पूछा तो स्कूल गए हैं। सुनो बहन, ये चौथी बार तुम मुझसे झूठ बोल रही हो।
हे भगवान, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे धोखा देने के लिए सोचोगी तो फिर मैं जहाँ बोलूंगा उसी समय पैसे लाकर देने पड़ेंगे उसे। मुझे गलत करने पर मजबूर मत करो, समझ गई? वो आए तो उसे समझा देना कि नुकसान उठाने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, शाम को दोबारा फिर आऊंगा। हाँ, उससे कह देना कि सीधी तरह से मेरे पैसे मेरे घर में पहुंचा दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा पता नहीं। वो कब का घर से गए हुए हैं? आप चिंता मत कीजिए, छोटे बच्चे थोड़ी है, वो यही कहीं होंगे। अरे अगर इस तरह पुरानी सोच लेकर चले तो वो आधी रात तक भी वापस नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कि वो स्कूल में किसी मुसीबत में फंस गया हो? अरे इतने बजे कोई स्कूल होता है क्या? हाँ, ये बात सही है, फिर कहाँ गया होगा वो? अरे वो भंगार वाले के साथ कुछ लफड़ा हुआ था ऐसा सुनने में आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हे भगवान, आखिर किस तरह की परेशानी हुई होगी? कोई छोटा मोटा उधार लिया होगा उसने। दुनिया में ऐसा कौन है जो उधार नहीं लेता? हमारा इंडिया कर्ज से लिपटा हुआ है। चुपचाप नहीं रह सकते क्या? बाला, ये क्या है बाला? यहाँ आकर क्यों बैठे हो? घर से कब के निकले हो? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने नहीं ढूंढा। चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं। बाला, अभी वक्त क्या हुआ है पता है? सोना नहीं है क्या? तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। इतना क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ऐसा मत करो, चलो सो जाते हैं। बाला! हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अब तक कितना खर्च हुआ ये हिसाब जोड़ रहा था। ये फैन नहीं चल रहा है तो गर्मी बहुत लग रही है। कहाँ इतनी गर्मी है? हाँ? सोने के बाद नींद भी नहीं आ रही है। ये रुक गया है या ये खराब हो गया है? तुम जरा नीचे उतर कर आओ, खामखा मुझे डरा के रख दिया। जिन चीजों की जरूरत नहीं उन्हें घुसा कर रखती हो, छे बेकार में मूड खराब करती हो। ये सिर्फ मेरी परेशानी नहीं है, इन सब की वजह मैं हूं। जैसे घर बनवा रहा हूं अपने लिए, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है।
100 जगह से मैंने कर्ज लिया था उसकी लिस्ट रखी थी इसमें। जिनको पैसे देना उनका हिसाब नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा सुमित्रा? हाँ। तुम वहां पर क्या कर रही हो? तुम जरा यहां आओ। मैंने कल हिसाब लिखकर रखा था वो मिल नहीं रहा है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं तुमको कब से बुला रहा हूँ? वो हिसाब कहाँ रखा जो मैंने लिख के रखा था? ऐसे अचानक आकर मुझसे पूछोगे तो क्या बताऊँ? मैं मछली साफ कर रही हूँ। भाड़ में जा तुम्हारी मछली। देखो 100 बार से ज्यादा तुम्हें बुला चुका हूँ। जिस किताब में हिसाब लिखा था वो मैं ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल मुझे पागल बना के रखा है। चुपचाप अंदर आओ। ओफो। देखो किस वक्त तुमने काम शुरू किया है। मैं अपने घर के काम पर ध्यान दूं या हिसाब किताब पर नजर रखूं? तुम्हारी रखी हुई चीज ना मिले तो घर वालों पे सवार हो जाते हो। अपनी जबान पर लगाम रखो। मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया अगर वो घर पे आ गए तो मैं क्या करूंगा सोचा तुमने? और क्या कहा तुमने? मैं तुम पे सवार हो रहा हूँ। अगर तुम कुछ चीजें संभाल के नहीं रख सकती तो यहाँ क्या कर रही हो तुम? और इस तरह बहस करोगी तो अच्छी बात नहीं। मैं सवार हो रहा हूँ इस पे। मैं इस पे बोझ डाल रहा हूं और जो मेरे सर पे बोझ पड़ा है उसका क्या? ये काम मैंने किसके लिए शुरू किया? मैं ही पागल हूं। जो किया तुम सबके लिए, अपने लिए नहीं किया कुछ। लोन लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था कि बाद में इस लोन को भर पाएंगे या नहीं। कुछ लोगों को समझाने से समझ में आता है और कुछ लोगों को झेलने से, लेकिन कुछ लोगों को समझाने और झेलने के बाद भी पता नहीं चलता। तुम उस कैटेगरी के इंसान हो। रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और जो इस तरह से ठोकरे खा रहे हो ये तुम्हारी जिद की वजह से कि अपने दम पर रहूंगा, कमाऊंगा, एक चना भार नहीं फोड़ सकता है। सुनो ये बात तुम अच्छी तरह से गांठ बांध लो। तुम तो हारने के लिए बस से बाहर निकले हो ना। इसमें बच्चों और इसका क्या कसूर है? इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। इसकी वजह बस इतनी है कि मैं तुम्हारे सपनों और अरमानों के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहता था। अब बस भी करो, कितना बोलोगे? तो क्या करूं? अरे बच्चे तकलीफ में है, उस तकलीफ को हटाने के लिए क्या करे? अब इस विषय पर बात करो। कौन है वो तुझे ब्याज में पैसे देने वाला, और वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? बेटी तुम एक पेपर और पेन निकालो,
किसको कितना देना है वो सब लिख कर रखो। कर्जदारों का नाम पता तो जानते हो ना, ये भी नहीं जानते? जानता हूं। ओ चलो किस्मत है। सही बताओ ना। चल झूठी। हाँ बताओ ना। नाम क्या है? सुदेवन। ओ सुदेवा फोन को जरा साइड में रखो, मैं तुम्हें अपनी माशुका से गप्पे लड़ाने के लिए पैसे नहीं देता हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमसे हो सकता है तो दो चार और आदमी बढ़ाकर इस काम को जितना जल्दी हो सके खत्म करो। तुम लोग अपनी मनमानी करके काम को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा समझे। काम खत्म करो। दूसरी जगह जैसा काम करते हो वैसे यहाँ पे मत करो। क्या किया? फोन तोड़ दूंगा तुम्हारा। कमांड दिखाता मुझे। अरे देखने के लिए मैं काफी नहीं हूँ क्या? घिस घिस कर अपनी उंगली को मत घिस लेना। उंगली को खराब करने के लिए मैं अलग से पैसा नहीं दूंगा, समझ गए? उसे निपटाने पर ध्यान दो। प्रहलाद तुमने जो बोला था ना, उस गल्फ वाले को बुलाओ, हम बात करके देखेंगे। और अगर कम भाव में चीट करने की सोचेगा तो उसको आने से मना कर दो। तो फिर मैं जरा घर वालों से बात कर लेता हूँ। कहा ना काम पर ध्यान दो। वो गल्फ वाला दोपहर के बाद साइट के उधर आएगा, बोला है कि अच्छी कीमत देगा। अगर ऐसा रहा तो उधार चुकाने के बाद बाकी के पैसे को हम बैंक में भी रख सकते हैं ना। नहीं तो इस घर का पूरा काम एक साथ करवाने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं है बेटी, या फिर इसके लिए घर बेचना पड़ेगा। कुछ भी हो पिताजी, आप अपने हिसाब से फैसला लीजिए। उससे पूछे बिना आप अपनी मर्जी चलाओगे तो और परेशानी बढ़ा देगा। इसने जो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया है उसको तो मुझे ही पार लगाना होगा ना, आखिर मैं उसका बाप हूँ। और ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, लाखों का कर्ज है। इतने सारे कर्ज के नीचे दबकर अगर हम उस घर में चले भी गए सुकून से जी पाएंगे इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। माँ जी, पिताजी आपको जो अच्छा लगे कीजिए। वो किधर है? फिर भी एक बार उसे पूछ लो। तुम जरा चुप रहो, कुछ भी समझा कर उसे स्कूल भेज दो। अगर हमारे फैसले में उसको शामिल करेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। वो चारों तरफ से फंस गया है। जब वो इतना बड़ा फैसला ले रहा था तब तुम्हें उसे सलाह देनी चाहिए थी ना। मैं भी भाड़े के घर से निकलने की खुशी में लालची हो गई थी। माँ जी से बाला के ऊपर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है, उसमें मेरा भी लालच था। शायद तुम स्कूल जा रहे हो। नहीं पिताजी, मैं साइट पे जा रहा हूँ। बाथरूम का टाइल्स ले लिया क्या? नहीं। वो किचन का पेंट? वो मैं दोपहर को टाउन जाते समय खरीद लूंगा। तुमको स्कूल के कितने दिन हो गए हैं? मुझे वहाँ रोज जाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार तुम्हें जो तनख्वाह देती है वो पब्लिक के पैसे होते हैं, इसलिए ईमानदारी से काम करने के बजाय सिर्फ साइन करके जो तुम तनख्वाह उठाते हो वो अच्छी बात नहीं है बेटे। लो सुबह तुम स्कूल जाओ और दोपहर के बाद मैंने जो सामान बोला है वो खिड़की दरवाजा सब लेकर आ जाना। तुम्हारे आने के बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से, समझे? अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। नहीं पिताजी, वो क्या है कि मैं अभी मेरी बात नहीं सुनने वाले हो क्या? नहीं, मैं जाता हूँ। घर बेच लें? पिताजी आप ये पागलपन कर रहे हैं। कर्ज हो गया इसलिए कोई बना बनाया घर बेचता है क्या? मैंने आपसे जैसे कर्ज लिया है उसे वैसे ही मैं वापस करना भी जानता हूँ। अगर मुझे पता होता आप ऐसा करेंगे मैं कभी ना लेता। अरे इसका तो पूरा टोन ही चेंज हो गया है, कैसा लग रहा है? हंस रहे हो तुम? मुझे इसी की उम्मीद थी, मदद करने के बाद ऐसा ही होता है। मुझे भी तुम्हारा घर खरीदने का कोई शौक नहीं है, वो तो तुम्हारे पिताजी मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए तो मैं मान गया था। बस इतना ही है, तुम घर बनाओ, चालान बनाओ, ऊपर जाकर कूद जाओ, जो मन करे करो, लेकिन मैंने जो पैसे दिए हैं ना वो वापस कर दो, ठीक है? ए मिस्टर, ये हमारे परिवार का मामला है, आपको पैसे चाहिए ना? अगर मैंने जुबान दे दिया है तो जो डेट बोलोगे उसी डेट को आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब आप जाओ। उधर आओ। तुम्हारे घर को बेचने का फैसला मेरा नहीं है,
वो तो तुमने ही मुझे इस तरह का फैसला लेने के लिए मजबूर किया है, ये तुम भूलना मत। अभी तुम्हें दुखी होने से कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन ये घर बनाने का सपना तुमने शायद 2-3 सालों से देखा है, लेकिन अपने बेटे की भविष्य की चिंता उसकी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। इस बुढ़ापे में कभी अपनी माँ की सहायता के लिए भी अपनी बीवी को हमारे साथ लेकर आए हो क्या? तुम कैसे कर्ज चुकाओगे जब कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है? बाला, बेकार की बातों को ज्यादा मत सोचो, चलो अंदर। पिताजी इस घर से इतना प्यार करते हैं, वो इसे बेचेंगे मैंने सोचा नहीं था। कर्ज तो अचानक आ गया, लेकिन मैंने जानबूझकर तो नहीं लिया था। देखना एक ना एक दिन हम सभी उस घर में साथ में जाएंगे। उसके बाद मरना है क्या? हर औरत की तरह मैंने भी एक ऐसे घर का सपना देखा था जहाँ हर तरह की सुविधाएं हों। वो सपना साकार होने के बाद, जब हमारी जिंदगी टूटने वाली है ये एहसास होने के बाद ही मैंने पिताजी को बुलाया था। मैंने ही जिद की थी। कितनी आसानी से तुमने ये सब बोल दिया। अरे गहरे कर्ज देने वाले दुकानदार पुलिस वाले आकर हमें हमारे घर में परेशान करें, उससे तो बेहतर होगा किराए का मकान। बाला, तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? क्या तुम्हारे सामने मेरी कोई कीमत नहीं? ये तो अच्छी बात नहीं है मास्टर, आप जैसे अध्यापक लोग ऐसे बर्ताव करेंगे कैसे चलेगा? एक औरत के सोचने से ऐसा होता है क्या? वैसे सूरा टीचर गए तो समझो स्कूल का सत्यानाश। अरे वो सोचने वाले शुक्र के साथ टीचर ने पूरा अपना घर बसा लिया। हाँ, लेकिन वो जो इंजीनियर है ना, वो बहुत ही बेकार इंसान है। और नहीं तो क्या, उसी की वजह से बेचारे बालन का घर नहीं बन पाया, ये सब उसका ही करा था क्या? लेकिन उसमें इंजीनियर पर आरोप लगाने का क्या फायदा, उसको तो पैसे दिए गए काम करने के लिए। ये भी सही बात है। मास्टर, और भी बात जाननी है तो दे रहा हो, बस दिखावे के लिए घर बनाओगे तो ऐसा ही होगा ना। एक 50 रुपए में टेबलेट खरीदने की औकात नहीं है और घर की जगह महल बनाना है। बात इतनी सी नहीं है, वो टीचर है ना, वो ठीक नहीं है। वो जो घी की तरह शरीर है वो क्या है? क्या मेरी जो पाम्पलेट मछली, मेरी बांगड़ा, मेरी सुरमई, आखिर में मैं अपनी अंगूठी भी खो दूंगा। इसका पता चलते ही मैं बचकर बाहर आ गया। बस सिंधी और टीचर की जोड़ी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लेकिन इंजीनियर और टीचर की जोड़ी सही लग रही है। सही। अरे तुम लोगों को कोई काम नहीं क्या? काम का बोलते रहते हो। तो सोचने वाला शुक्र है और फैसला लेने वाली टीचर है। आपने जो बोला उसका पूरा एडवांस का रकम है इसमें, बाकी का रजिस्ट्रेशन के समय। ये लो, रख लो इसे। पिताजी आप रखिए। जिन्होंने बहुत मुश्किल से घर बनाया हो और उसे बेचना पड़े, उस वक्त क्या दुख होता मैं समझ सकता हूँ। अरे आप ऐसा मत बोलिए, खुद भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, इसे पूरा करना शायद हमारे बस में नहीं था, इतनी तकलीफ में है हम। तो फिर हम चलते हैं। ठीक है, जाकर आइए। मिलते हैं। हाँ हे भगवान, छुटकारा मिल गया, एक हिसाब से खतरे से बचकर निकल गए हो, ये सोचकर तुम खुश रहो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश को नहीं समझा, ऐसा मत समझना, लेकिन लोगों के सामने सर मत झुकाना। तुम्हारी मेहनत और पसीना जुड़ा हुआ है उस घर में, तो क्या हुआ? तुम अभी समय बर्बाद मत करो, जिनसे कर्ज लिया है उन सबको चुका दो और एक दिन चैन की नींद सो लो। तुम्हारे बच्चों के साथ कम से कम 10 दिन तक समय बिताने की ख्वाहिश इस बाप की भी है।
तुम पहले इसे रखो और इस पे साइन करो। तुम चाहिए तो 15 साल के लिए मैं तुम्हें अपने रिस्क पर किश्त बढ़ा कर देता हूँ, और क्या चाहिए? नहीं चाहिए सर, लेकिन जिन्होंने कर्ज लिया वो सुसाइड कर लें, इससे पहले थोड़ा टाइम दीजिए उन्हें। 3 साल पहले जब्ती के लिए एक नोटिस भेजा था ना सैयद अली के नाम पर आपने, आखिरकार आपकी वजह से वो इंसान मर गया, उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। नहीं बाला, हिमा वहा नाम से बुलाइए सर, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ करेक्ट है, अच्छे से गिन लिया ना? हाँ, हाँ सब करेक्ट है। और हाँ वो कारपेंटर वाले को, कारपेंटर वाला ये क्यों था समझ गए ना? एक छोटा सा घर का प्लान लेकर मैं तेरे पास आया था और तूने मेरी यह हालत कर दी, उसके लिए था, और तुमने उस मासूम भोले भाले शुक्र को धोखा दिया। मैंने तुम्हें मारा, वो टीचर को मत बताना, बुरा मानेगी। एक हिसाब से अच्छा ही हुआ, अभी तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो गई। तो ठीक है, फिर अभी मैं जाकर आओ। जी कुरविला मास्टर, नानी मैं चलता हूँ। ठीक है चलता हूँ। बाला तुम जा रहे हो ना? अरे ये क्या हाल बना रखा शुगर? कुछ मत बोलो यार, उसके चले जाने के बाद हालत थोड़ी बिगड़ सी गई है मेरी। सच कहूँ तो भूखा मर रहा हूँ, कितने दिन भूखा रह सकता हूँ, पहले सोचना चाहिए था। वो सोचने में मैंने थोड़ी देर कर दी, इसी वजह से परेशानी मोल ली। खैर तुम जाओ। ठीक। अच्छा मेरी बात मानो शुक्र, ये तुम रख लो। किसे? अरे ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, तुम रख लो। ये चलाना मुझे नहीं आता, मगर मैं रख लेता हूँ, सीख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना भला इंसान है, भगवान तुझे खुश रखेगा। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, संभाल कर जाओ। इतने प्यारे घर में आपने हमें रहने दिया, ये लीजिए। सिर्फ किराए के लिए नहीं बाला, घर को घर की तरह संभाला इसीलिए ही, यही हम चाहते थे और कुछ नहीं। आपका बहुत एहसान है, हम चलते हैं। सेतु किंगनी चलो हम अपने घर जा रहे हैं, आ जाओ। जिंदगी के दूसरे पहलू की पढ़ाई करने के लिए मैं अपने गांव लौट कर जा रहा था। मैंने धरती की, इंसान की और पाठशाला की पढ़ाई से जो सीखा उसमें देखा, उसके अलावा जिंदगी को पढ़ने की कोशिश में लगा हूं। जब से सेतु गया है घर सुना सुना हो गया है। मैंने कितनी बार समझाया है बच्चों को, काम के लिए दूर मत जाया करो, लेकिन कौन सुनता है। बबूल के पेड़ पर आम कहां से उगेंगे सुमी, हम कितना भी समझाएं उनके कानों तक हमारी बात नहीं जाएगी। उनको घूम फिर लेने दो, जहां जाते जाने दो, आखिर में लौटकर हमारे ही पास आएंगे, देख लेना तुम।